आज आपकी इस वर्कशॉप क्लास में जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको मैंने जैसे कहा, मैं इसे आपके लिए प्रस्तावना नाम देने वाला हूँ। प्रस्तावना इसलिए क्योंकि जिस तरीके से संविधान में कभी भी संविधान को पढ़ते समय आपको समस्या आती है तो समस्या के निवारण के लिए आपको प्रस्तावना देखनी पड़ती है, ऐसा वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। और उस प्रस्तावना में आपको संविधान में कभी भी किसी भी प्रकार को किसी भी टर्म को लेकर कोई समस्या आती है तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आज की ये वर्कशॉप क्लास आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अलग अलग समयकालों में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन सभी का निवारण आज की वर्कशॉप क्लास में, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, चीज़ों को नोट डाउन करिएगा और जो भी क्वेश्चंस हैं उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। उसके अतिरिक्त यदि आपको कोई क्वेश्चन बचता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ें, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनना शुरू करिएगा। मैं वन बाय वन क्वेश्चन लूँगा और उसके उत्तर देने की कोशिश करूँगा। उससे रिलेटेड यदि आपका कोई क्वेश्चन बचेगा तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी अप्रोच होने चाहिए उन सबको हम लेकर डिस्कस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक यूपीएससी एस्पिरेंट या स्टेट पीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं उनको प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो कन्फ्यूज़ रहते हैं और कन्फ्यूज़न में कई बार वो गलत निर्णय लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा विकल्प, एक सही माध्यम कौन सा होना चाहिए यूपीएससी या स्टेट पीएससी को अप्लाई करते समय, चुनते समय। तो यहाँ पर कहने का माध्यम यह है कि कई बार आपकी लाइफ में रास्ते बहुत सारे होते हैं अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए, बस समस्या ये होती है कि चुने उसमें कौन सा। क्योंकि यदि आप गलत रास्ता चुनते हैं तो आपकी मंजिल हो सकता है बहुत दूर हो और यदि सही रास्ता चुने तो हो सकता है बहुत पास हो। तो यहाँ पर कुछ लोग उसके लिए शॉर्टकट चुनते हैं, कुछ लोग उसके लिए लॉन्ग कट चुनते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप उसे अपने हिसाब से चुनें। क्योंकि हर व्यक्ति की व्यक्तित्व क्षमता दूसरों से अलग होती है। इसी को मैंने एक पोएट्री में किया, बेसिकली मैं पोएट्री करता हूँ और उस पोएट्री को मैं कई सारी चीज़ों को अपने एक पोएट्री में कर देता हूँ, अपनी समस्याओं को या पोर्ट्रेट कर देता हूँ। तो जिसको लेकर आप अपनी कहानी को कई बार खुद बयां करना चाहते हैं, उसको लिखना चाहते हैं, दूसरों से बेहतर दिखाना चाहते हैं और इसी चीज़ को लेकर आप कुछ बातें कहते हैं। कहते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ अपनी पोएट्री को, सही रास्ता। सही रास्ता क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या जिसको लेकर कहते हैं, रास्ते कई थे अपनी मंजिल को, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, रास्ते कई थे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, मगर मुसीबत ये थी कि उसमें चुनूं कौन सा उस तक पहुंचने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब कि एक व्यक्ति के पास रास्ते बहुत सारे होते हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो चुने कौन सा उसमें कब। इसीलिए कहा गया कि रास्ते कई थे अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए लेकिन मुसीबत ये थी कि उनमें चुनूं कौन सा उस तक पहुंचने के लिए। कुछ ने शॉर्टकट चुने, कुछ ने लॉन्ग कट, मैंने तो बस चुने अपने हिसाब से। तो जब भी आप किसी को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ डोंट, बिकॉज आपकी जो क्षमता है वो उसके हिसाब की नहीं, उसकी जो क्षमता है वो आपके हिसाब की। तो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को फॉलो ना करें बल्कि अपनी क्षमता को पहचानें और उस क्षमता के अनुसार काम करना शुरू करें, और उसके लिए कुछ अप्रोचेस सही होंगे तो आप उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि यूपीएससी का सिलेबस, किसी भी चीज़ को प्रारंभ करने का पहला जो माध्यम है वो है आपका सिलेबस। सबके पास है, सबके पास है, तो इसको ओपन करिए। ओपन कर लिया सिलेबस में आप अगर देखें यूपीएससी को लेकर या स्टेट पीएससी को लेकर, तो सबसे पहले बात आती है
विषय वस्तु और उसका पैटर्न, उसका सामंजस्य एक दूसरे के साथ क्या है। सबसे पहले अगर आप यूपीएससी का पैटर्न देखें तो वो तीन चरणों में है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में जो चीज़ें पूछी जाएंगी वहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो इस विषय वस्तु को आप पैटर्न के हिसाब से लेकर चलें तो पहला आएगा प्री। प्री में क्या क्या है? प्री के दो पेपर हैं आपके, पहला है जिसको हम जीएस का पेपर कहते हैं और दूसरा है आपका सी सेट का पेपर। जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट और इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स, समटाइम कुछ मिसलेनियस भी चीज़ें आती हैं। ये आपको अपने प्री का, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो उस प्री के एग्ज़ाम के समय आपको इन सारी चीज़ों को वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, अर्थात इतने सब्जेक्ट जब तक आपके कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक आप कम से कम प्री के एग्ज़ाम में बैठने के लायक नहीं। और इन सारी चीज़ों को ऐसा नहीं कि आप इनके बेसिक्स पढ़ रहे हो, इनके बेसिक्स के साथ साथ इनके एडवांस और उसको करंट से अफेयर से आप जोड़कर जब तक स्टडी नहीं करते हो तब तक आप कम से कम इस एग्ज़ाम के लिए तो अनुपयोगी। आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को आप क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं जब तक आपका ये पढ़ा हुआ नहीं है इन सारी चीज़ों के साथ। सी सेट आता है, सी सेट आपको पता है क्वालिफाइंग नेचर का है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये आपको क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि आपको सिर्फ यहाँ पर आपका इसका नंबर नहीं जुड़ेगा आपके मेरिट में, बल्कि आपको इस जब तक इसको आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका ये पेपर चेक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको 33% मार्क्स लेकर आने हैं, अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें आपको 33 नंबर लाने हैं, जब तक आपके 33 नंबर नहीं आ जाते हैं आपका उसमें जीएस का कॉपी जो होती है वो चेक नहीं होगा। इसमें आता क्या क्या है? सीसेट के जो आयाम हैं इसमें आपको मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंटरपर्सनल स्किल आएगा जिसको आईपीएस कहते हैं, इसके अलावा आईपीएस के अलावा इसमें डीएम आते हैं अर्थात डिसीजन मेकिंग आता है और इसके साथ साथ हिंदी कॉम्प्रिहेंसन आती है। सीसेट के पांच आयाम जिसमें आपको यहाँ पर इन पांचों आयाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और जिसको आपको क्लियर आउट करना होता है और क्लियर आउट उतना ही करना होता है जितना आप क्वालिफाइंग कर पाए। तो कई बार ये होता है कि हम सीसेट को कितना समय दें, कितना इम्पॉर्टेंट है, कब देना चाहिए, एक समय को लेकर बड़ी समस्या होती है। पहली चीज़ आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सीसेट आपके लिए क्वालिफाइंग है और क्वालिफाइंग का मतलब होता है उतना ही समय दें जितना आप इस एग्ज़ाम को अर्थात इस पेपर को क्वालिफाई करने में लगा सकते हैं, अर्थात 33 नंबर आप कैसे ला सकते हैं। तो 33 नंबर के लिए सबसे पहली चीज़, यहाँ पर हर एक व्यक्ति के शायद ही पांचों चीज़ें बहुत अच्छी होती लेकिन ज़्यादातर व्यक्तियों के 2 से 3 टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं और इतना ही काफ़ी है आपको सी सेट निकालने के लिए। यदि आपके 2 टॉपिक भी इसमें बहुत अच्छे हैं तो उन 2 टॉपिक्स पर ही मेहनत करो, वही आपको क्वालिफाई करा दें। अर्थात किसी की यदि मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो मैथ रीजनिंग पर ही मेहनत करें, किसी का हिंदी कॉम्प्रिहेंसर, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है तो इसी पर मेकर फोकस करें। ऑल अराउंड आपको ये दोनों ही 33% मार्क्स दिला देंगे और आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा। समस्या इसके लिए इतनी है कि आपको समय कब देना चाहिए और कितने समय देना चाहिए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम होने से पहले 3 महीने पहले आप इसकी प्रिपरेशन करें, 3 महीने आप इसको अच्छे से स्टडी कर लें और आपका ये एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, बात आती है जीएस को लेकर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और क्या क्या इसमें करना है, सारी प्रॉब्लम यहीं की यहीं। ये सिर्फ प्री का पैटर्न, फिलहाल मैं पैटर्न आपको डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके सिलेबस पर जाऊँगा और ये एक डिमांड क्या करती है उसकी बात करेंगे। तो ये आपका प्री का हो गया, हटाऊँ इसको, प्री के बाद आपका आता है मेंस। मेंस में अगर बात करें तो ये बहुत लंबे एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पर आपको जो पहला पेपर होता है पेपर 1 ऐसे का होता है, पेपर आपका
टू, यहाँ पर जीएस पेपर वन होता है, थर्ड पेपर आपका होता है जीएस पेपर टू, फोर्थ पेपर होगा आपका जीएस पेपर थ्री, फिफ्थ पेपर होगा आपका जीएस पेपर फोर, इसके बाद आपका जो छठा पेपर होगा और सातवां पेपर होगा ये आपका ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल वन, ऑप्शनल टू, एक सब्जेक्ट के दो पेपर। इसके बाद आपको आता है आठवां पेपर जो आपको लैंग्वेज के होंगे, एक हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का होगा। इतनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ मेंस में करनी, और मेंस में करने के लिए अब यहाँ पर भी इसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, दो क्या इसको कहूँ कि तीन तरीके से हम डिवाइड करते हैं पूरे के पूरे मेंस को। क्या क्या डिवाइडेंस हैं, एक हम इसको रखते हैं जीएस को एक पार्ट के रूप, दूसरा पार्ट यहाँ पर होता है ऑप्शनल का, और तीसरा जो पार्ट होता है जिसमें आपको लैंग्वेज और ऐसे आ जाती है। अब यहाँ पर थर्ड जो पार्ट है इसमें से आप ऐसे को हटा दीजिए, ये दोनों आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं अगेन, जैसे प्री में आपका सी सेट था, यहाँ पर भी आपको 300-300 नंबर के पेपर होंगे लैंग्वेज के, और इन 300-300 नंबर में अराउंड आपको 75 मार्क्स जो होते हैं लाने होते हैं आपको क्वालिफाइंग करने के। अगेन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग है अर्थात ये आपके जीएस के पेपर के साथ ये नंबर जुड़ने वाले नहीं हैं, तो इसलिए अगेन यहाँ पर हिंदी हो सकती है आप लोगों की, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उन्हें लगता है कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया और जितनी मैंने उनकी कॉपी चेक की हैं वहाँ पर उन आप लोगों की हिंदी बहुत ख़राब होती है, आपकी भाषा बहुत ख़राब होती है, आपकी वर्तनी बहुत ख़राब होती है, आपकी लिखावट बहुत ख़राब होती है, हैंडराइटिंग बहुत ख़राब होती है, उसका प्रस्तुतिकरण बहुत ख़राब होता है, तो आपको वहाँ पर मेहनत करनी होगी, आपको अपनी हिंदी सुधारनी होगी पहली चीज़। दूसरा, हिंदी माध्यम के छात्र के साथ समस्या है इंग्लिश के साथ उसका लड़ाई झगड़ा रहना, कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती उसकी, अगर हो भी गई खुदा ना खास्ता तो ऐसी दोस्ती होती है कि सामने वाला ऐसे व्यक्ति से दोस्ती ही नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसकी जो टूटी फूटी इंग्लिश होती है वैसी होती है कि सामने वाला कहे कि भाई मुझे माफ़ करो, तो इंग्लिश के लिए बहुत बच्चा परेशान रहता है और कहता है कि मेरा सर इंग्लिश के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं होता, या इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंट आपके नज़रिए पे आता है, आप चीज़ों को लेकर चल कैसे रहें। यहाँ पर समस्या बहुत सारी आती हैं जो हिंदी मीडियम के छात्रों का, इसको लेकर एक अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, फिलहाल सिलेबस को लेकर हम काम करते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्वालिफाइंग है, 75 में 300 में 75 नंबर लाने हैं वो आप ला सकते हैं, इसके लिए आपको 2 महीने आपको यहाँ पर मेहनत करनी होगी, हिंदी आपकी अच्छी होती है बाकायदा आप पूरे जीएस को पढ़ते पढ़ते आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, उस पर आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इंग्लिश के लिए करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी हो लेकिन ज़्यादातर लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, और इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा मेथड है जो आप हमेशा से बच्चों की तरह अपनाया जाता है इंग्लिश के लिए, सिर्फ 2 चीज़ें आपको करनी होती हैं आपकी इंग्लिश में, पहला ग्रामेटिकल वर्क, दूसरा वोकैबुलरी वर्क, सिर्फ ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए अपनी लाइफ में, और इसके लिए आपको पूरे एग्ज़ाम में बैठने से पहले शायद 2 साल होंगे जहाँ पर आपने इंग्लिश को सुधार सकते हैं। डेली मैक्सिमम आप 15 मिनट दीजिए अपनी इंग्लिश को, 15 मिनट डेली के, और आप 2 साल के बाद आपकी इंग्लिश उस लेवल की होगी कि जहां आप इंग्लिश मीडियम में भी जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश हो जाती है, लेकिन डेली के लिए आपको उसके लिए 15 मिनट निकालने पड़ेंगे। वहां करना क्या क्या है ये अलग मुद्दा है, उसकी भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी अलग प्रॉस्पेक्ट्स में। तो सिलेबस में आपको फिर आता है जीएस, अब जीएस के पेपर में आपका पेपर आपके पास है, यहां पर अगर आप देखें मेंस का जो चैप्टर आप खोल लें ठीक है, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा में वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर अंक भी दिए गए हैं और पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं आपको वो भी दिया हुआ है। यहाँ पर पेपर वन ए, पेपर बी दिया हुआ है, उसके बाद वरीयता क्रम दिया हुआ है, पेपर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर कितने हैं आपको 250 मार्क्स के आपका ईच पेपर होगा। सब्जेक्ट क्या क्या हैं पेपर वन में, क्या क्या आता है पेपर वन में, आता है आपकी हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी। हिस्ट्री के भी 6 पार्ट हैं, मॉडर्न, मिडिवल, एशियंट, वर्ल्ड, आर्ट एंड कल्चर और आईपीआई। 6 पार्ट में आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी। इंडियन सोसाइटी
एक ही चीज़ है, लेकिन ज्योग्राफी आप पढ़ने आएंगे तो फिर उसको तीन पार्ट में डिवाइड करना है, वर्ल्ड, इंडियन और फिजिकल। सेकंड पेपर पे जाइए, सेकंड पेपर में आपको चार सब्जेक्ट मिलते हैं लेकिन लोग उसको तीन मानकर चलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो एक एक पार्ट है आपका पॉलिटी का, लेकिन वो पॉलिटी का पार्ट बेसिकली नहीं होता है। पहला पार्ट होता है आपका पॉलिटी, दूसरा पार्ट होता है आपका सोशल जस्टिस, तीसरा पार्ट होता है आपका शासन व्यवस्था और चौथा पार्ट होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो आपको पता होना चाहिए। थर्ड पेपर की बात करें, थर्ड पेपर में आपके पांच टॉपिक आते हैं, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, साइंस एंड टेक अर्थात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन और इंटरनल सिक्योरिटी अर्थात आंतरिक सुरक्षा। तो कितने सब्जेक्ट आपने तीन ही पेपर में पढ़ लिए, काउंट करके टोटल, पाँच, चार, तीन, मोटे मोटे तौर पर आपने 12 सब्जेक्ट, उनको भी आप डिवाइड करते हैं तो पता लगा आप 20 पहुंच जाएंगे। फोर्थ पेपर पे आइए, वहाँ पर सिर्फ एथिक्स आती है, जो आपको, आपने शायद अपनी लाइफ में एथिक्स का कोई महत्व ही नहीं होता है, लेकिन अचानक से आपको एथिक्स पढ़नी पड़ जाती है जो बहुत बोरिंग लगती है। इसके अलावा आपको ऑप्शनल चूज़ करना होता है, जिसको लेकर एक स्टूडेंट साल भर में कम से कम 6 से 7 ऑप्शनल चुन के पढ़ के छोड़ देता है। बड़ी कॉमन सी बात है, क्योंकि उसे 2 महीने बाद पता चलता है कि वाकई वो ऑप्शनल उसके बस का नहीं है। जब दूसरा ज्वाइन करता है तो फिर से लगता है ये भी उसके बस का नहीं है, और 1 साल गुजरने के बाद उसे पता चलता है कि मेरे बस का कुछ नहीं। फिर वही स्टूडेंट पूछता है कि सर कौन सा लें, जबकि पास उसके पास खुद एक्सपीरियंस इतना होता है कि वो दूसरों को बता सकता है कि कौन सा लें। फिर उस व्यक्ति को संतुष्ट करना अपने आप में अपने आप को संतुष्ट करने से ज़्यादा बेटर। तो ऑप्शनल अपने आप में एक समस्या है, इसको लेकर क्या होना चाहिए ये भी एक टॉपिक रखेंगे सबको लेकर। फिर इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इसके बाद आपको आता है एसे। एसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एसे के लिए आपको अलग से, फिर से मैं कहूँगा, मेहनत नहीं करने की आवश्यकता है, बस कुछ टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखने की ज़रूरत है जो एसे को लिखते समय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एसे के लिए कोई अलग से विषय वस्तु नहीं है, वही विषय वस्तु है जो आप जीएस में पढ़ेंगे। इसलिए कभी भी एसे को अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ उसके रिटन प्रैक्टिस करनी, और उसके लिए आपको कुछ क्लासेस कराई जाएंगी जो आपको पता हो चलेगा कि ऐसे की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, कहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और एक अच्छा ऐसे क्या होता है, उसका प्रस्तुतीकरण से लेकर उसके निष्कर्ष तक जाने तक की प्रक्रियाएं क्या होंगी, कहाँ पर क्या चीज़ें खींचनी हैं और कहाँ पर किसको संतुलित करना है। बात आती है इसके बाद इंटरव्यू की, आपका फाइनल स्टेज, जहाँ पर आपके अनुसार इंटरव्यूअर एक इंटरव्यू से क्या चाहता है, क्या वो आपकी नॉलेज चेक करता है, क्या आपके व्यक्तित्व को देखता है, क्या वो आपको विभिन्न परिस्थितियों में आपके निर्णय लेने की क्षमता को परखता है, क्या जानना चाहता है, क्या वो एक समग्र व्यक्ति को देखना चाहता है। वो आपको हर एक परिस्थितियों में परख कर देखेगा, आप किस सिचुएशन में क्या करते हैं, कैसा निर्णय लेते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं, ये उसके लिए मायने रखता है। क्या आप उस पद पे जाने के बाद अर्थात एक डीएम बनने के बाद, एक आईपीएस अधिकारी बनने के बाद, क्या आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए एक योग्य व्यक्ति हैं अथवा नहीं, आपको सिर्फ वो उस आधार पर जानने की कोशिश करता है। और यदि आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप के सामंजस्य से बिठा पाते हैं, आप एक अच्छे निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको वहाँ पर नंबर भी अच्छे मिलते हैं। इसके लिए आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप अपनी पर्सनालिटी पर वर्क करिए, आपके बैठने उठने बातचीत करने का जो तरीका है ये बहुत मायने रखता है, आपने आपको सोसाइटी में प्रेजेंट कैसे करते हैं ये बहुत मायने रखता है, आप किस तरीके से दूसरों से बातचीत करते हैं ये बहुत मायने रखता है, और ये सब आपको अपनी पढ़ाई के दौरान ही उस पर वर्क करना पड़ेगा। पर्सनालिटी रातों रात नहीं बदलती, बल्कि उसको चेंज करने में आपको एक लगातार एक नियमित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर यूपीएससी आपसे इस लेवल की डिमांड चाहता है कि आप एक नॉलेजबल व्यक्ति हों, आप एक
बेहतर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हों, आप एक बेहतर निर्णय लेने वाले व्यक्ति हों, आप विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य अच्छे से बिठावाने वाले व्यक्ति हों, आप दूसरों को बेहतर एक मार्गदर्शक के रूप में वहाँ पर रख सकते हैं और एक बेहतर समन्वयकर्ता के रूप में हो सकते हैं। और जब तक ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं तो प्लीज़ आज से जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर काम करना शुरू करना, अपने से पढ़ाई पे नहीं, अपनी भाषा पे नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व पर भी ये काम शुरू करना है आज से जाकर। और एक व्यक्तित्व कह सकते हैं कि एक पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको क्या क्या करना होगा उस पर भी चर्चा करें। तो ये बात हो गई आपके सिलेबस को लेकर, तीन चरण हैं, तीन चरणों में कितने पेपर आएंगे और उन पेपर में क्या क्या आता है, बाकी इसकी डिटेलिंग आपके इस प्रॉस्पेक्टस में है कि एक सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, जिसको आप जाकर एक बार घर पर ज़रूर देखेंगे। इसको लेकर, सिलेबस को लेकर बाकी डिटेलिंग अगर करने की जाएँ, अब बात करते हैं कि सिलेबस आपसे मांगता क्या है, वो चाहता क्या है, UPSC यहाँ पर डिमांड क्या करती है इन सिलेबस से। पहली टॉपिक हमने देखा कि सिलेबस क्या है, अब बात करते हैं UPSC डिमांड क्या करता है एक एस्पिरेंट से। एक अभ्यर्थी जो होता है UPSC वहां से चाहता क्या है, आप एनालिसिस करने की बारी आई, आप सिलेबस को देखते कैसे, आपके अनुसार क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, शासन व्यवस्था भी उसने पढ़ा दिया, नीति शास्त्र भी रख दिया, साइंस एंड टेक को भी उसने डाला हुआ है। आपके लिहाज से UPSC का सिलेबस कैसा है आप बताएं, फिर मैं बताऊंगा। आपने UPSC का सिलेबस देखा है, प्रिपरेशन करने आए हैं, तो आपके अनुसार UPSC का सिलेबस क्या है, चलिए कहते हैं कि वास्ट, कहते हैं बहुत बड़ा है, दूसरा कोई वर्ड इसके लिए आप यूज़ करना चाहें, मल्टी अप्रोच के आपके डायमेंशन वहाँ पर वो देखना चाहता है, कितने तरीके से आप चीज़ों को सोच सकते हैं, चलो ये भी ठीक है। अच्छा, हर एक विषय वस्तु का आपको मास्टर होना पड़ता है, UPSC एस्पिरेंट अपने, UPSC डिमांड क्या करती है अपने एस्पिरेंट से, क्या वो सामान्यज्ञ चाहती है या एक विशेषज्ञ चाहती है। आपकी अपने पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि आखिर वो एस्पिरेंट को चाहती कैसा है अपने सामने, क्या एक वो विशेषज्ञ को चाहती है, क्या वो पर्टिकुलर किसी एक ऐसे व्यक्ति को चाहती है जो पर्टिकुलर किसी एक विषय वस्तु में बहुत अच्छा हो, टेक्निकली साउंड हो, बेहतर निर्णय कर सकता हो, भविष्य की चीज़ों को लेकर व्याख्यायित कर सकता हो, लेकिन वो उसी टॉपिक को लेकर किसी दूसरे आयाम पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर पूरी तरीके से अनिश्चित। क्या एक जिले के स्तर पर जब आप अधिकारी बनेंगे, क्या पर्टिकुलर कोई एक विषय वस्तु पर निर्णय लेने वाले होंगे या फिर हर एक विषय वस्तु आपसे होकर गुजरने वाली है? तो आपको UPSC एस्पिरेंट से क्या वो ये चाहती है कि जो व्यक्ति है वो हर एक विषय वस्तु के बारे में विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानता है कि इस निर्णय से इस विषय पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका दूसरे आयामों से क्या इंटररिलेशन होगा और उसे क्या फ्यूचर में विकास होगा, बदलाव आएंगे, परिवर्तन कैसा होगा और क्या क्या चीज़ें और डेवलप्ड हो सकती हैं। वो सिर्फ आपसे ये चाहता कि आप एक बेहतर सामंजस्यकर्ता के रूप में वो आपको चाहता है, एक बेहतर समन्वयकर्ता के रूप में चाहता है, और ये तभी हो सकता है जब आपका अप्रोच मल्टी डायमेंशनल होगा और मल्टी सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट से नहीं। इसीलिए उसने आपको टेक्निकली साउंड करने के लिए साइंस एंड टेक डाला है, इकोनॉमिक रूप से आपके पास जानकारी अर्थात अपने जिले के अर्थव्यवस्था को विकसित कर सकें, वहाँ पर जो उसके पास आधार हैं उसको किस तरीके से उसमें योजनाएं लगाकर उसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए वो आपको इकोनॉमी उसने डाल कर दिया। कानून और व्यवस्था की बेहतर नॉलेज हो इसलिए उसने शासन व्यवस्था भी डाला हुआ है और उसने पॉलिटी भी डाला हुआ है। आपने जिस क्षेत्र में हैं उस की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके पास कौन कौन से संसाधन हैं और उनका किस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए उसने भूगोल भी डाला हुआ। आप उस जिले में
आपके आने से पहले क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, उससे क्या क्या निर्णय और कह सकते हैं कि रिजल्ट परिणाम प्राप्त हुए हैं, इसको जानने के लिए उसने हिस्ट्री भी डाल रखी ताकि आप उसके महत्व को पहचान। इसके अलावा आप जिस जिले में रह रहे हैं वहाँ पर कुछ लोग रहते होंगे, कुछ विभिन्न प्रकार के कल्चर रहता होगा जो अपनी अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को संभालता होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें एक सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप किस तरीके के साथ समायोजित हैं, इसके लिए उन्हें आर्ट एंड कल्चर को भी डाला है और सामाजिक व्यवस्था के चैप्टर को भी उसने डाला। इसके अतिरिक्त सेकेंड पेपर के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करता है, अर्थात आप अपने जिले के साथ साथ अन्य जिलों के साथ, प्रदेश के साथ, राष्ट्र के साथ और इसके साथ साथ वैदेशिक संबंधों को किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की आपकी भूमिका होनी चाहिए, उसके लिए वहाँ पर उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भूमिका को भी रखा हुआ है। एक क्षेत्र विशेष में कई तरीके के उसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएँ रहती हैं, जिसको हम आंतरिक सुरक्षा कहते हैं, जिसमें आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद और विभिन्न प्रकार के गृह युद्ध जैसी समस्याएं होती हैं, उससे निपटने के लिए आपको क्या होना चाहिए, उसके क्या क्या आधार हैं, इसके लिए उसने आंतरिक सुरक्षा को रखा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, कभी चक्रवात हो सकता है, कभी वहां सुनामी की स्थिति आ सकती है, तो वहां पर एक डिजास्टर मैनेजमेंट को आपको किस तरीके से आप वहां पर कन्वे कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको काउंटर अटैक कर सकते हैं, किस प्रकार से लोगों को वहां बचाकर दूसरे जगह ले जाना चाहिए, इसको लेकर उसने आपदा प्रबंधन को रखा। और इन सब चीजों को करते हुए आपकी नैतिकता कभी ह्रास ना होने पाए, नैतिक होते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें, इसमें उसने एथिक्स को भी डाला है। अर्थात एक व्यक्ति को एक एस्पिरेंट से वो हर एक चीज को अलग अलग आयामों पर अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से आपको वो सक्षम होते हुए देखना चाहता है। उसके लिए वो ये नहीं चाहता है कि आप उसके लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहें, किसी दूसरे से बातचीत करें और जब तक वो वहां पर आदेश ना दें तब तक आप उस पर्टिकुलर कार्य के लिए रुके रहें, बल्कि आप पूर्णतया सक्षम हो अपने स्तर पर और वहां पर अपने कार्यों को करने के लिए आप वहां पर एक बेहतर और समन्वयकर्ता के साथ साथ एक बेहतर निर्णयकर्ता के रूप में अपनी चीज़ों को अपने लोगों के कल्याण के लिए लगातार तत्पर रहें, उनको लेकर योजनाएं बनाएं, उनके विकास उनके साथ समन्वय बने, उनकी समस्याओं को समझें और उनके निवारण के लिए क्या बेहतर हो सकता है उसको भी लेकर आप आगे बढ़ें। ये डिमांड करता है आपका यूपीएससी सिलेबस एक एस्पिरेंट से। वो एक विशेषज्ञ नहीं चाहता बल्कि वो एक सामान्यज्ञ चाहता है, जो हर एक विषय वस्तु के बारे में बेहतर नॉलेज रखता है और उस आधार पर वो एक बेहतर निर्णय कर सके, लोगों की भलाई के लिए काम कर सके। यूपीएससी आपसे यही आकर पूछ लेती है कि मैं आपको डीएम के रूप में क्यों चुनूं, आप क्या दे सकते हैं, आप एक बेहतर डीएम के रूप में क्या दे सकते हैं अपने जिले के लोगों को, आप दूसरों से अलग कैसे हैं, आप दूसरों से बेहतर कैसे हैं, और आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं होता, और होता भी है तो बहुत ही आदर्शात्मक, अर्थात एक पुरुषोत्तम राम की तरह आप उत्तर देते हैं, जबकि कलयुग में उसकी कोई भी संभावना नहीं है। तो इंटरव्यू में बहुत व्यवहारिक रहिएगा, कुछ ऐसी चीज़ों को सोच के रखिए जो आउट ऑफ द बॉक्स है, और इसके लिए आपको आसपास की चीज़ों में जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपको सबसे अच्छा अपने सिलेबस को याद करने का जो तरीका है, अपने आसपास की चीज़ों को देखें। यदि आपको गरीबी पढ़नी है तो आप आते जाते बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को भीख मांगते हुए देखते हो, उनकी क्या परिस्थितियाँ, दिहाड़ी मजदूर को देखिए, एक किसान को देखिए कृषि के लिए, एक उद्योगपति को देखिए उसके उद्योग को किस तरीके वो संचालित करता है, एक राजनीतिक को देखिए किस तरीके से वो आपकी शासन व्यवस्था को संचालित करता है, एक डीएम को देखिए किस तरीके से वो आपके शासन प्रबंधक को संभालता है, और जब तक आप एक व्यवहारिक नॉलेज अपने किताबी ज्ञान के साथ साथ नहीं रखेंगे, आपके लिए यूपीएससी अब हमेशा एक कठिन मार्ग की तरह होगा, जहां पर आपको हर समय एक कांच का ऐसा रास्ता दिखेगा जो कभी भी टूटेगा और आप खाई में चले जाएंगे। वो हमेशा मजबूत बना रहे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वो औजार होने चाहिए जो उसके टूटने के पश्चात आपको लटकने के लिए और उस पर चढ़कर दोबारा आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर सके। समझ में आई बात? तो यूपीएससी एस्पिरेंट कौन होगा, इसकी एक रूपरेखा यहाँ पर है। डिमांड आपकी सिलेबस की क्या है, यूपीएससी आपसे चाहता क्या है, इसका उत्तर आपको मिला। चलो नेक्स्ट अप्रोच की बात करते हैं। सिलेबस आपका हो गया और सिलेबस से आपको बनना क्या है, हासिल क्या करना है, उसकी बात हो गई। अगली बात आती है इन चीज़ों को लेकर। सिलेबस आपको पता होने के बाद दूसरा जो एस्पेक्ट आता है वो होता है, सर इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम पढ़ें क्या, रिसोर्सेज क्या होंगे, स्टडी मटेरियल क्या होगा, है ना।
बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, तो आइए देखते हैं आपकी स्टडी मटेरियल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ने के लिए दो चीज़ें बहुत सही होनी चाहिए, बहुत टेक्निकली बहुत साउंड हैं ये सारी चीज़ें यदि आप इसको अप्लाई करते हैं। क्या हैं? मैं हमेशा इस चीज़ को कई बार अपनी क्लास में भी डिस्कस करता हूँ और यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसको डिस्कस करना चाहूँगी। जिसको पता है वो भी ध्यान से एक बार सुने, जिनको नहीं पता है वो दूसरे ज़्यादा ध्यान से सुने। दो चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में जब भी आप कोई अप्रोच करना चाहते हैं। पहली चीज़ पढ़ाई को लेकर, अप्रोच और रिसोर्स। यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, एक महीने, दो महीने, छः महीने, साल भर कर चुके हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन। बस इतने ही लोग हैं? कम से कम यहाँ तो एक नैतिकता बरत लीजिए अपने आप में। अपने आप से झूठ बोलोगे तो कहाँ जाओगे? हाँ, अब थोड़ा सही हुआ है। चलो, जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं उनसे मेरा एक थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और उसके बाद वाकई मुझे आंसर देना होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा यहाँ पर सोते मत रहिए, सो मत जाइएगा सुनते सुनते, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत करते रहें। आपके लिहाज से या आप जो करते हैं वो बता दीजिए, आपने स्टडी को लेकर आपका अप्रोच क्या है? अप्रोच समझ रहे ना कि अप्रोच में किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ? आप पढ़ाई कैसे करते हैं, सुबह से शाम तक, या पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट लेकर उसको आप किस तरीके से पढ़ते हैं ये बताइए मुझे, ये अप्रोच है। उसके बाद फिर हम रिसोर्स की चर्चा करेंगे। कोई भी? हाँ, एनसीईआरटी लेते हैं, अच्छा एक टॉपिक को लेते हैं पर्टिकुलर, उसको कई जगह से पढ़ लेते हैं क्या? स्टार्टिंग से एंड तक चले जाते हैं ऐसे? बस पढ़ा आपने शुरू से लास्ट तक? चलिए, एक ये है कि आपने शुरू से लास्ट तक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ लिया है, ठीक है। और अच्छा, ये मल्टी डायमेंशनल स्टडी की बात कर रही हैं, अर्थात एक ही टॉपिक के कितने आयाम हो सकते हैं वहाँ पर पढ़ने के, कहाँ कहाँ से उस पर क्वेश्चन हो सकता है, वो मल्टी डायमेंशनल स्टडी की ये बात कर रही हैं, वो इस तरीके से पढ़ती हैं। और कोई अपना अप्रोच बताना चाहे? क्या भाई, मतलब अपने अप्रोच पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? अच्छे से कंप्लीट का मतलब क्या है? तो इसके लिए करते क्या है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, बाकी लोग बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है, सीक्रेट रखिए, रिजल्ट मिल जाएगा तब शेयर कर दीजिएगा, उसके लिए आपको अच्छा खासा भुगतान भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना अप्रोच अपने पास रखिए, मैं अपने अप्रोच बताता हूँ क्या होना चाहिए बेसिकली और कब अप्लाई करना चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेस, रिसोर्सेज के लिए आपको यहाँ पर सारी की बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। आपको आई थिंक इसमें इंक्लूड है या नहीं, इसमें इंक्लूड नहीं है। आपकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं हमने पूरे उसकी लिस्ट बना रखी है, आप जाने से पहले यहाँ से आप ले लीजिएगा, अन्यथा जब आप क्लासेस करेंगे तो वहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रिसोर्सेज क्या लेने हैं उसके लिए मैं कहता हूँ, रिसोर्सेज होने कितने, मैं दूसरे एस्पेक्ट की बात करता हूँ कि रिसोर्सेज होने क्या चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, चलिए एक सब्जेक्ट लेते हैं इकोनॉमी, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बार बार घूम फिर के यहीं पे आट के अटक जाता हूँ। तो इकोनॉमी को लेकर आप पढ़ेंगे, पढ़ें कैसे, बहुत सारे लोग इसे हेट बहुत घृणा करते हैं, पता नहीं क्या है कैसे आता है, लेकिन एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको बहुत स्मूथली आप कर सकते हैं यदि आपको पता है करना क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं इकोनॉमी। एक वर्ड यूज़ किया गया आपके सिलेबस में
जिसको नाम उन्होंने सिर्फ दिया है आई थिंक आप अर्थव्यवस्था, मैं कहूँ अर्थव्यवस्था को लेकर आप क्या सोच सकते हैं, अप्रोच की बात करते हैं, आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं है ना। अब देखिए मैं इसको क्या कहाँ तक लेकर जाऊँगा, जहाँ तक हो सकता है मैं सोच पाऊँ, तो मैं इसको देखिए कैसे आप विस्तारित करता चलूँगा। मैं फ़िलहाल इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर इसको हटाना चाहूँगा, फिर मैं इस पर दोबारा आएंगे, ठीक है। मैं अप्रोच की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अब इसको लेकर अब देखिए कहाँ से ये चीज़ें विकसित होती हैं। मैंने कहा अर्थव्यवस्था क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसका विस्तारित स्वरूप क्या होगा। सबसे पहली चीज़ इकोनॉमी, अर्थात ये क्या है, उसके बाद इसमें क्या क्या है, इसमें मतलब टॉपिक्स क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। पहली चीज़ आपको एक अवधारणा क्लियर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन लिया, कोई भी आप वर्ड आता है, सिर्फ वर्ड का मतलब सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी वर्ड आए, अगर आपको पढ़ाने आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी या मॉडर्न हिस्ट्री या फिर कोई भी टॉपिक आपको आता है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट का मतलब समझिए। अर्थात अगर आपको मैं आपके पढ़ाना शुरू करूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था से हम पढ़ेंगे, तो पहले ये बताइए सर अर्थव्यवस्था क्या है, और इस अर्थव्यवस्था का फिर भारतीय पहलू क्या है, फिर इस भारतीय पहलू का विकास कैसे हुआ, फिर इसके कौन कौन से आयाम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इकोनॉमी, इकोनॉमी में ये क्या है, इसको समझने के बाद इन्होंने कहा कि आपको पढ़ना क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ते समय हमने कहा कि यहाँ पर इसकी इसका इतिहास क्या रहा है, इतिहास में इसका विकास क्या क्या हुआ है, कौन कौन से पहलू इसके, और वर्तमान इसका संदर्भ क्या है। इसको मैंने जब जान लिया, मैं इसके दूसरे टॉपिक पे आ गया। मैंने कहा अब इसको कितने एंगल से मैं पढ़ सकता हूँ, अर्थात कौन से टॉपिक हैं जो आपको अर्थव्यवस्था में पढ़ने चाहिए। तो मैंने इसको डिवाइड किया, मैंने कहा कितने भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा यार 6 टॉपिक हैं मूलतः, पूरी की पूरी इकोनॉमी को आप 6 टॉपिक में कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्या है इसको समझ लेते हैं। पहला टॉपिक है आपका बैंकिंग, मैंने इसको कंप्लीट किया। बैंकिंग कंप्लीट करने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत ही माइनर आप मिस्टेक कर जाते हैं। माइनर मिस्टेक क्या है, इकोनॉमी का एक पहलू दूसरे पहलू से जुड़ा हुआ है, अर्थात कभी भी आप एक टॉपिक को छोड़कर तीसरे टॉपिक पर जंप मत करिएगा, बल्कि एक टॉपिक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, अर्थात नंबरिंग वाइज पढ़िएगा। अगर आप मिसकैलकुलेट करते हैं इकोनॉमी को, तो आपकी समझ के ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो सेकेंड टॉपिक इसके बाद आता क्या है, बैंकिंग का जो जुड़ा हुआ पहलू है वो है आपका इसी में शेयर मार्केट। शेयर मार्केट और बैंकिंग को मैं एक टॉपिक मानकर चलता हूँ, और इसको इसीलिए मैं इसको पढ़ाता हूँ वित्तीय संस्थाओं के रूप में, मैं इसको एक टॉपिक मानता हूँ, फर्स्ट टॉपिक जो मेरा होता है। ये चीज़ कंप्लीट होती है इसके दूसरे एंगल पर, दूसरा एंगल जो यहाँ पर आकर जुड़ता है सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक जिसको मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आप जब भी पढ़ें इस चीज़ को, तो इसके दूसरा टॉपिक आता है दो चीज़ें, एक होता है भुगतान संतुलन और दूसरा है तो है लोक वित्त की व्यवस्था को पढ़ना। तो यहाँ पर आता है भुगतान संतुलन, लोक वित्त, तो सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक। लोक वित्त वही जो बजट आप पढ़ते हैं, बजट के बाद आपको जब बजट आता है अगली प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं टॉपिक नंबर 4, और ये होता है आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं सेक्टर्स, कृषि, इंडस्ट्री जो होती है आपकी, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा सेक्टर। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 5 क्या है, टॉपिक नंबर 5 में आती है आपकी, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है अवसंरचना, क्योंकि जब भी आप कृषि का विकास करेंगे, इंडस्ट्री का विकास करना चाहेंगे या फिर सेवा सेक्टर को आप विकसित करना चाहेंगे, तो उसके लिए एक आधारभूत अवसंरचना की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसको लेकर सरकार की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पर मैं इसको अगले टॉपिक के रूप में पढ़ता हूँ। और इन अवसंरचनाओं का लाभ उठाने वाले कौन हैं, मानव संसाधन। तो सबसे लास्ट में मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर मानव का संसाधन। मैं इकोनॉमी को मैंने 6 भागों में डिवाइड किया। मैंने देखिए पढ़ना कहाँ शुरू किया था, मैंने सिर्फ एक वर्ड पढ़ा, क्या, अर्थव्यवस्था।
अर्थव्यवस्था के मूलभूत चीज़ों को समझा, उसको मैंने भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश की, भारत के आयामों को वहाँ पर समझने की कोशिश की, उसको विभिन्न टॉपिक्स में बांटना दिया। बांटने में यहाँ पर मैंने देखा कि मैं पूरी इकोनॉमी को 6 टॉपिक में ख़त्म कर सकता हूँ। ये कहाँ शुरू हुआ? सिर्फ एक वर्ड से। ये अप्रोच है, अभी आपकी डेवलप्ड होती है, अभी आपकी डेवलप नहीं है, अभी आपकी डेवलप्ड होगी। अब इसका भी विस्तारित स्वरूप है, अब यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करें। अब वित्तीय संस्थाओं को ही आप पकड़ लीजिए, वित्तीय संस्थाओं को पढ़ने के लिए बेसिकली पहले हमने जो यहाँ पर डिवाइड किया, मैंने पहले डिवाइड कर दिया है, इसको मैं फिर से यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। एक है आपका बैंकिंग, दूसरा है आपका शेयर मार्केट, तीसरा है आपका बीमा। और इन तीनों को सोल्यूशन को लेकर हम पढ़ते हैं वित्तीय समावेशन। अब मैंने वित्तीय संस्थाओं को भी डिवाइड कर लिया। मैंने कहा इसके 4 टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत मैं पूरी के पूरी इसको पढ़ा सकता हूँ। अच्छा, तो कहें सर, अच्छा बैंकिंग का भी क्या क्या कोई क्लासिफिकेशन हो सकता है क्या? अगर मैं बैंकिंग पढ़ाना चाहूँ तो बैंकिंग में आपको क्या क्या पढ़ा सकता हूँ? अब बैंकिंग में देखिए, बैंकिंग में क्या क्या आएगा? पहले आएंगी बैंकिंग की जो होता है वर्गीकरण, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा बैंकिंग आपका कह सकते हैं ट्रांजेक्शन के अलावा बैंकिंग टूल्स, बैंकिंग टूल्स के अलावा आपको यहाँ पर बैंकिंग कह सकते हैं कि सुविधाएं जो भी आपको मिल रही हैं उनको यहाँ पर आप रखेंगे। बैंकिंग सुविधाओं के अलावा आपको यहाँ पर इनका इंटरकनेक्शन आपका शेयर, बीमा और वित्तीय समावेशन से, अर्थात अन्य संस्थाओं के साथ समावेशन। इसके अलावा जब भी आप बैंकिंग पढ़ेंगे तो बैंकिंग में दूसरा एक पहलू आता है मुद्रा, मनी, क्योंकि सारा जो गेम होता है बैंकिंग में पैसे का। अगर आपको पैसे का मूल्य नहीं पता, पैसा नहीं पता है तो कुछ नहीं हो सकता। अब इस मुद्रा से बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। अब मुद्रा पढ़ाऊंगा तो फिर उसको डिवाइडेशन करना पड़ जाएगा मुझे। मुद्रा क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसका उपयोग क्या है, इससे जनित समस्याएं क्या हैं, समस्याएं पढ़ूंगा फिर इसको डिवाइड करना पड़ जाएगा, फिर इसमें मुझे पढ़ाना पड़ेगा मुद्रा स्फीति क्या है, मुद्रा स्फीति कैसे आती है, क्यों आती है, इसके समाधान क्या है, कौन करता है, सरकार की क्या भूमिका है, बैंकिंग की क्या भूमिका है, किस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुद्रास्फीति से क्या लेना देना है। अभी मैं डिवाइड करता चले जाऊंगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला। मैं सिर्फ आपको एक प्रोफार्मा दे रहा था, एक अप्रोच क्या होगी आपकी। एक टॉपिक, एक वर्ड से आप पूरी की पूरी एक ऐसा चक्र क्रिएट कर सकते हैं जो वापस आकर इस पर ख़त्म हो जाए। तो क्या आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं? क्या आप ऐसा पढ़ते हैं? क्या आपकी ये टर्मिनोलॉजी होती है? क्या ये दृष्टिकोण होता है? या फिर आपने बस ये पढ़ा, कभी इसको पढ़ लिया, कभी इसको पढ़ लिया, कभी इसको पढ़ लिया, कभी इसको पढ़ लिया। अगर इकोनॉमी आपने ऐसे पढ़ी है तो भूल जाइए, आपको इकोनॉमी कुछ समझ में आएगी। अगर इकोनॉमी समझनी है तो सही अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी। और ये सिर्फ इसमें नहीं है, ये हर एक सब्जेक्ट की बात, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है एक सब्जेक्ट को पढ़ने का। मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ जो आप हर सब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको ये तरीका पता है तो। अब आसान कैसे हो जाएगा? अब UPSC यहाँ से क्वेश्चन जनरेट करता है, कहाँ से? आपने अर्थव्यवस्था पढ़ ली, कोई बात नहीं, वो कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। बैंकिंग सुविधाएँ हैं, किसको मिलती हैं? यहाँ पर मुद्रास्फीति भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ भी हैं, यहाँ पर अन्य टर्मिनोलॉजी इससे जुड़ी हुई हैं। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो बैंकिंग से जुड़ी नहीं है। क्वेश्चन जनरेट करने के लिए वो क्या करेगा? एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। वर्तमान समय की भारतीय बैंकिंग व्यवस्था भारत के सामाजिक संरचना के अनुरूप प्रतीत होती है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर किए गए परिवर्तन से इसके टूटने का डर हमेशा बना रहता है।
जो इसकी अर्थव्यवस्था के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य में नुकसानदायक हो सकती है। आपके अनुसार इस बैंकिंग अर्थव्यवस्था को किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत ऋण के रूप में स्थापित किया जा सकता है, सुझाव दीजिए। अगर आपने अपने अप्रोच को इस एंगल से लेकर नहीं पढ़ा है कि ये कहां कहां से किस किस डायमेंशन से किस किस एंगल से किससे जुड़ेगा, तो आप इस उत्तर को सही और स्पष्टता लिखने से चूक जाएं। समझ आई बात? अब आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा यदि आपको ये चाहिए और आपको ये पद चाहिए। डीएम बनना है, कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए, गाड़ी में चलें, चार छः लोग आगे पीछे घूमें, आपके एक साइन के लिए लाइन लगा के लोग खड़े रहें, आप जहाँ से गुजरें लोग रास्ता क्लियर हो जाए, कुछ ऐसी मनोभावनाएं से आप डीएम बनना चाहते हैं? अच्छा है, लेकिन क्या ये आपको मोटिवेट करता है या सिर्फ सपने दिखाता है? अगर आपको सिर्फ सपने दिखाता है तो आप शायद इसे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपको ये मोटिवेट करता है तो आपके लिए कोई दूसरा मोटिवेशन लाइफ में नहीं चाहिए होगा। कभी किसी के मोटिवेशन क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है यदि आप का मोटिवेशन ये खुद है, अगर आप ये ऐसा कर सकते हैं तो। चलिए, हाँ आप कुछ कह रही थी। मैं सिर्फ वित्तीय समावेशन से नहीं आया हुआ है, मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूँ जो बैंकिंग से आए हुए हैं। हाँ आते हैं तो इस टॉपिक्स को लेकर देखिए, पीछे सीट खाली है, अगर आगे ना इधर बैठ जाइए, नहीं तो अगर सीट खाली ना हो तो। अभी कुछ सीटें इधर भी खाली हैं, चलो ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा क्योंकि यूपीएससी जो सिलेबस देता है उसके बाहर का आप कोई क्वेश्चन कभी नहीं आता, लेकिन क्या आप उस क्वेश्चन को कर सकने की क्षमता रखते हैं? कुछ लोगों ने कुछ समय से प्रिपरेशन कर रखी है, साल, दो साल, चार साल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन अभी कराऊं और मुझे 100% गारंटी मैं दे सकता, लिख सकता हूं लिखने से आपके पहले कि आप उसका सही उत्तर नहीं लिखेंगे, आपका अप्रोच वैसा नहीं होगा, आप वो चीज़ें नहीं लिखेंगे जो कुछ, यहां तक कि शायद आप क्वेश्चन को सही इंटरप्रेट ना कर पाएं। मैंने यहां तक देखा है कि आपको सही उत्तर आपका नहीं इसलिए आता है क्योंकि आपने क्वेश्चन को सही समझा ही कि उसने चाहता क्या है वो आपसे, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्टडी को इस तरीके से लेकर चलें कि वहाँ पर कुछ भी कहीं से भी पूछे आपको बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, ये बात अप्रोच ही हो गई। कितने लोग ऐसे अप्रोच अपनाते हैं? देखिए, कोई नहीं, मैं कह तो रहा हूँ। अच्छा, अपनाती हैं, गुड। अगर अपनाती हैं तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलिए, बात करते हैं दूसरे से। ये मैं एग्जांपल आपको क्रिएट करके बता, ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, और जिन्होंने मेरी क्लासेस ली हैं उनको पता है कि मैं आपको ऐसा ही पढ़ाता हूँ, अर्थात बिना ग्राफिंग के मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। आपको पता होना चाहिए आपको कौन सी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी और उसके क्या मायने हैं, क्या प्रभाव हैं, क्या एग्जाम्पल हैं, ताकि आप उसको उस लेवल की तैयारी जो कर रहे हैं वहाँ पर आप आसानी से सक्सेसफुल हो सकें। तो बात आती है अप्रोच की, तो ये अप्रोच था कैसा? हमने बात की थी कि जो आपका स्टडी है, स्टडी के दो चीज़ें आई थी, एक था आपका अप्रोच, दूसरा था आपका रिसोर्स। तो हम इस अप्रोच को नाम क्या देते हैं और करते क्या हैं इसमें, ठीक है? आपके अनुसार सही नाम क्या होगा इस अप्रोच का? सीक्वेंसिंग, ठीक है, अच्छा है। मैं इसको कहता हूं इंटरलेशन, अर्थात एक चीज दूसरी चीज से जुड़ती चली जाएगी अपने अंतिम बिंदु तक।
जब तक वहाँ पर उसका टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाएगा, वहाँ पर आपका कोई टॉपिक शेष नहीं बच जाएगा, तब तक आप उस डोरी को खींचते हुए चले जाते हैं। इंटरलेशन विथ मल्टी डायमेंशंस, ये पूरा नाम है। मैं एक टॉपिक के अंतिम बिंदु तक जाते समय उसको मल्टी डायमेंशन अर्थात अलग अलग सब्जेक्ट से जोड़ कर पढ़ता हूँ। अर्थात उस इकोनॉमी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस इकोनॉमी का आपके अर्थव्यवस्था के साथ साथ, आपके सामाजिक पहलू के साथ साथ, आपके साइंस एंड टेक के साथ साथ, आपकी आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ, पर्यावरण के साथ साथ, हर एक पहलू पर क्या असर उसका पड़ता चला जाएगा। अब UPSC फिर से यही खेल जाती है कि वो टॉपिक आपका इकोनॉमी का होगा और उसको जोड़ देती है कहीं दो अन्य सब्जेक्ट से, अर्थात वो उसी चीज़ को पर्यावरण से जोड़ देती है, वो उसी चीज़ को साइंस एंड टेक से भी जोड़ देती है। तो यदि आपने सिर्फ इकोनॉमी पढ़ी है तो आप भूल जाइए मल्टी डायमेंशन सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे, क्योंकि आपने इकोनॉमी को सिर्फ इकोनॉमी प्रॉस्पेक्टस से पढ़ा है, ना कि इकोनॉमी को आपने साइंस टेक एनवायरनमेंट ज्योग्राफी हिस्ट्री इंटरनेशनल स्किल इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनल रिलेशन इत्यादि से लेकर इंटरलेट करके पढ़ा हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, सर ये अप्रोच कितना लंबा हो सकता है और कितनी सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर आगे हो सकता है। तो आइए देखते हैं चीज़ें होती कैसे हैं। अब आप इन चीज़ों को अप्लाई करते समय करेंगे क्या। इंटरलेशन और मल्टी डायमेंशन सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो अप्रोच पढ़ाया जा रहा है जो टीचर के द्वारा वही आपको सिखाए, क्योंकि आपने स्तर पर शायद इसे अप्लाई ना कर पाए, लेकिन एक बार आपको पता चलने के बाद इसे आप आसानी से घर पर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशन। जैसे मैंने कहा कि यदि आप इकोनॉमी ही पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी के अलग आयाम साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपके अलग अलग सेक्टर्स जो हो गए हैं आपके, इसके अलावा पॉलिटी में बहुत सारे कानून बना दिए जाते हैं, उसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। इकोनॉमी को लेकर आपके कानून बना दिए गए, संशोधन कर दिए, जैसे आपका GST लेकर आया गया था पॉलिटी के माध्यम, संसद के माध्यम से लेकर आया गया, जिसके क्या क्या प्रभाव आपके पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन आपकी सोसाइटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये टॉपिक एक चीज़ लेकर आने से इकोनॉमी के वो किस किस एंगल को प्रभावित कर रहा है ये भी आपको पढ़ा होना चाहिए। तो इंटरलेशन का वो एग्जांपल था जो मैंने अभी क्रिएट किया था, और ये मल्टी डायमेंशन है जो आपको वहाँ पर इंटरलेशन के साथ साथ करते चलना, ये होनी चाहिए आपकी अप्रोच। अगर अपनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अपनाते हैं तो अब आपको अपनाना है, और इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी प्रस्तावना में कि आपकी स्टडी का अप्रोच क्या होना चाहिए। जिन्होंने नहीं नोट किया है नोट डाउन करिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पर आकर आते हैं, रिसोर्सेस। ये बहुत सबसे इरिटेटिंग आता है क्वेश्चन, रिसोर्सेज। इरिटेटिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ भी बता दिया जाए, आप उसे खरीद के रख लेते हैं, वो बुक पूरी हुई नहीं हुई आप दूसरी पूछने आ जाते हैं, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, और ऐसा कि आप एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दें जिसको आप दूसरों के लिए खोल दें तो आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने उसमें कितना पढ़ा है, तो एक मुहावरा यूज़ किया जाता है, ढाक के तीन पात। इट्स मीन आपने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट तो की लेकिन उसका आपके लिए कोई यूज़फुल स्थिति नहीं रही। तो क्या रिसोर्सेज कितने यूज़फुल हो सकते हैं और कैसे उसको आप बना सकते हैं, इसको आप समझ लेते हैं, ताकि आप दोबारा, आई थिंक जितने एक्सपीरियंस लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत परेशान किया इस चीज़ के लिए, बहुत रिसोर्सेस पूछे गए हैं, और मुझे इतना अनुभव है कि उन लोगों ने आज तक कुछ किया नहीं, किया है तो अपने आप को सिर्फ एक चीज़ किया है कि सिर्फ धोखा दिया। तो आई थिंक आगे से वो अपने आप को धोखा ना दें, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा एक पहलू है अपनी लाइफ में। कोई लोग, कुछ लोग यह कहते हैं कि, मैं इसको दूसरी तरीके से अगर कहना चाहूँ, कि एक सफल जो व्यक्ति है
वो कोई चीज़ या कुछ अलग नहीं करता, कुछ अलग पढ़ता नहीं है, उसके रिसोर्सेज अलग नहीं होते हैं। वो वही पढ़ता है जो आप लोग पढ़ते हैं, बस जो, लेकिन वो जो पढ़ता है वो आपको, आपसे अलग तरीके से पढ़ता है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना, एक मामूली सी लाइन। आप इंग्लिश मीडियम में सेम रिसोर्सेज, सेम बुक, सेम राइटर की हैं, और हिंदी मीडियम में भी सेम रिसोर्सेज, सेम बुक, सेम राइटर की। आप इंग्लिश व्यूअर के जो इंटरव्यूअर हैं उनकी भी बातें सुन लीजिए, और हिंदी मीडियम का जो छात्र है उसकी भी बातें सुन लीजिए, आपको रिसोर्स एक ही बताएगा। वही बताएगा लक्ष्मीकांत, वही बताएगा रमेश सिंह, वही बताएगा लिन चोंग, वही बताएगा आपको इराक भरूचा, वही बताएंगे आपकी दृष्टि विजन पब्लिकेशन, यूट्यूब, RSTV, PIB, योजना, कुरुक्षेत्र, वर्ड फोकस, वही बताएगा। उसका सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं। तो गलती उसकी है या आपकी है? सिर्फ आपके अप्रोच की, सिर्फ आपके पढ़ने के तरीके को लेकर गलती है, सिर्फ आपके, इसकी गलती। हिंदी मीडियम के छात्र की सबसे बड़ी गलती क्या है? अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है रिसोर्सेज को पढ़ते समय, हिंदी वर्सेस इंग्लिश। कितने लोग ये मानते हैं कि इंग्लिश मीडियम होने के कारण सिलेक्शन जल्दी हो जाता है? सब मानते हैं ना, सीधा सीधा हाथ खड़ा करिए। सब नहीं मानते हैं? हाँ, कुछ लोगों ने तो अपनी पढ़ाई इस चक्कर में छोड़ रखी है, वो मीडियम तक चेंज करना चाहते हैं। ये कृपया बंद कर लीजिए मेरी क्लास में कम से कम, क्योंकि फ़ोन को लेकर मैं बहुत थोड़ा सा परेशान हालत में व्यक्ति रहता हूँ, बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। चलिए तो बात करते हैं इंग्लिश वर्सेस हिंदी। मैंने पहले ही एक चीज़ बताई कि इंग्लिश मीडियम का छात्र भी वही पढ़ता है जो आप पढ़ते हैं, वही रिसोर्सेज देखता है जो आप देखते हैं, वही चीज़ फॉलो करता है जो आप करते हैं, लेकिन वो आपसे बेटर कैसे है पता है? कैसे? वो कुछ नहीं करता है। बस कुछ नहीं करने का मतलब है वो ज़्यादा नहीं सोचता है आप लोगों की तरह, वो बहुत कॉन्सेंट्रेट होता है और बहुत फोकस्ड होता है, और एक चीज़ को ख़त्म करने के पश्चात ही वो किसी दूसरी चीज़ को छूता है। आप लोगों की तरह नहीं होता है कि पहले कलेक्ट कर लो, सजा लो, और उसके बाद पूछो कि और क्या पढ़ना है। उसको कुछ नहीं पढ़ा और दूसरा चीज़ लेने चले गए। मैं कहता हूँ यदि आप पॉलिटी समझनी है, आप कहते हैं कि लक्ष्मीकांत सर हमने ले ली है, लक्ष्मीकांत में कितने पेजेस हैं और कितना पढ़ना होता है और कितना समय चाहिए आप उसको तैयार करने के लिए? क्या लक्ष्मीकांत की बुक में ऐसा कुछ बचता है जो आपको नहीं पढ़ना होता है, या कुछ बचा रह जाता है जो आपको अदर रिसोर्सेज देखने की ज़रूरत है? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, रिसोर्स एक ही हूँ लेकिन उसका जो अप्रोच होगा पढ़ने का, आप यहाँ गलती करते हैं। रिसोर्सेज की गलती नहीं है, सिर्फ गलती हिंदी माध्यम के बच्चों की अप्रोच में आती है, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र में नहीं होती। दूसरी जो गलती होती है, बेसिक्स क्लियर होते हैं इंग्लिश स्टूडेंट के, क्योंकि उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी होती है। हिंदी मीडियम में स्कूलिंग की बहुत इश्यूज हैं। हमारा ग्रेजुएशन लेवल देखिए, हम पास कैसे हो रहे हैं आपको सबको पता है। जनवरी या फरवरी के एग्ज़ाम या मार्च में होने से पहले एक पतली सी नोट्स आती है, क्या कहते हैं उसको, इजी नोट्स आता है, सीरीज, हम उसको लेते हैं। एक महीना शायद ही पढ़ते हो, कोई 15 दिन, कोई एक हफ्ता, कोई 4 दिन पहले पढ़ता है उसको। जिसका पेपर होता है उसको खोलता है, पढ़ता है, उतना ही जाके लिख के चला आता है, नंबर भी अच्छा आ जाता है। अब आप ये बताइए, एक व्यक्ति ने साल भर, एक साल लगातार स्टडी की है और आपने एक हफ्ते भी नहीं, तो आप इस व्यक्ति से कंपटीशन करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति का जल्दी रिजल्ट आएगा कि आपका आएगा? आप यहाँ गलती करते हैं। आप कहाँ कहाँ गलती करते हैं पता है? एक तो ये बेसिक्स में आप बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, उनका बेसिक्स बहुत साउंड होता है, बहुत क्लियर होता है,
और इसके कारण जो आप अपने बेसिक्स को कवर करने में जितना समय लगाते हैं वो उस चीज़ को एडवांस लेवल पर मेहनत कर रहे होते हैं, और वहीं आप के रिज़ल्ट जो होते हैं प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा और गलतियां कहाँ होती हैं? इकोनॉमिक तौर पर आपने बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के इंटरव्यू सुने होंगे। इंटरव्यू में आपने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, उन्होंने जॉब को ड्रॉप किया था, उसके बाद वो पढ़ने आए थे। जब वो जॉब करके आए होते हैं उनके पास अपना बैंक बैलेंस होता है, उनको पैसे को लेकर कोई समस्या नहीं होती। हिंदी मीडियम के छात्र क्या हैं, 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार, 100-100 रुपए के लिए महीने भर वो गणित लगाते रहते हैं कि अगला महीना कैसे निकलेगा। आप UPSC के प्रिपरेशन निकालने आए हैं या मैथ में यहाँ पे किराने की दुकान की तरह पर आपके पास गठजोड़ करने आए हैं कि 100-100 रुपए का करके कैसे महीने का खर्चा चलाना? आप गलती वहाँ कर जाते हैं। अर्थात अपने समय का सदुपयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ख़राब है ही नहीं। 24 घंटे का यूज़ कैसे करना है? आप कहते हैं सर 2-3 क्लासेस लेनी है, उसके बाद घर पे जाके पढ़ना है, खाना वाना भी बनाना होता है, सामान भी लाना होता है, हम थक जाते हैं, हमसे नहीं हो पाता। तो मैं भी उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, आपसे UPSC नहीं हो पाए, छोड़ दो, क्यों पढ़े हुए? आप UPSC को परेशान कर रहे हो, वो आपको नहीं कर रही। तो आप उस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जेंडर का यूज़ नाम ले रहा हूँ लेकिन उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आप आमतौर पर भारतीय समाज में देखते आए हैं कि आप उस घर की गृहिणी की तरह हैं जो हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर तर्क वितर्क करती, और एक एक चीज़ को अप्लाई करने से पहले वो आपका घंटों का समय वहाँ पर का निवेश करती। आप ये सोचने में ज़्यादा अपना समय व्यस्त करते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए, बजाय इसके कि आपको वहाँ पर वाकई में उस चीज़ को इतना सोचने की जगह पर, अर्थात सोचने से ज़्यादा करने पे आप विश्वास नहीं रखते। आपके सपने बहुत बड़े होते हैं, रातों रात आप DM बन गए होते हैं, लेकिन सपने के जब हकीकत में आते हैं तो पता लगा आप जहाँ थे आज भी वहीं। और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनको भी इस 8 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 6 महीने बाद भी आई थिंक यही लग रहा होगा। अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ 80-90% चीज़ें मैं हमेशा सही होता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मुझे आपको पता है, जो नए हैं इन फ्यूचर उनके बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन यदि आप अपनी आज की प्रस्तावना ध्यान रखेंगे तो कम से कम आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे। आज के बाद आपको टीचर की सिर्फ उतनी ही ज़रूरत होगी जितनी होनी चाहिए, अर्थात एक सिर्फ गाइडेंस के रूप में, ना कि एक ट्यूशन टीचर की तरह जो घर पे आके लगातार आपको डिक्टेट करता रहे क्या करना और कैसे करना रहे। तो इंग्लिश मीडियम के छात्र आपसे कहाँ कहाँ बेटर हो जाते हैं ये आपको पता चला? तो कभी भी आपको अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र के साथ कंपटीशन करना है तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक्स क्लियर कर लो, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर लो, अर्निंग वर्निंग की जो पैसे को लेकर दिक्कतें इसको कुछ समय के लिए भूल जाओ, और अपने फैमिली से एकदम कट टू क्लियर बात कर लो, मुझे कितना पैसा कितने समय तक के लिए चाहिए, मैं कब तक इसकी प्रिपरेशन करने वाला हूँ, कब तक मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और उसके बाद जब आपकी अप्रोच है तो जो मैंने अभी बताई आपको, कौन सी, इंटरलेशन विथ मल्टी डायमेंशनल, आप ये अप्लाई करो, आपकी चीज़ें साल भर के अंदर अंदर आप सही पाथ पर ऑटोमेटिक आ जाओ। और ये जो सोचते रहते हो ना इंग्लिश लें, हिंदी लें, मीडियम चेंज कर लें, होना जाना किसी में कुछ नहीं है यदि आपका अप्रोच हमेशा वैसा ही रहे। तो बात आपके दिमाग से शुरू होती है और वहीं आके ख़त्म हो जाती है, और आप वहीं सोचते रह जाते हो, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो समझ में आई बात हिंदी वर्सेस इंग्लिश की? इसको लेकर कोई और दिक्कत है हिंदी वर्सेस इंग्लिश को लेकर पूछने की आपको, कि समझ में आ गया हिंदी वर्सेस इंग्लिश में क्या दिक्कत है? रिजल्ट यहाँ पर हिंदी वर्सेस इंग्लिश के कारण नहीं है, रिजल्ट यहाँ पर अप्रोच के कारण, जो आप खुद क्रिएट करता है हिंदी मीडियम चाहे, लेकिन वो समझना नहीं चाहता, वो बस ये कहता है कि इंग्लिश के आने के कारण हमारा रिजल्ट रुक रहा है। ऐसा कुछ नहीं,
आप जिस दिन उनके लेवल के आ गए, आपने जिस दिन उस हिसाब से लिखना शुरू कर दिया, जिस दिन आप एक आउट ऑफ द बॉक्स लेकर चीज़ें लिखने शुरू कर दिए, आपके लिए भी रास्ता वही है जो उनके लिए है, आपके लिए भी वही सब्जेक्ट हैं जो उनके लिए हैं, आपके लिए भी वही रिसोर्सेज हैं जो उनके लिए हैं, आपके लिए भी वही पैटर्न हैं जो उनके लिए हैं, तो रिजल्ट भी आपके हाथ में है उनके लिए। उसके लिए आपको मेहनत करनी है, किसी और को नहीं। समझ में आ गई बात? अप्रोच और हिंदी इंग्लिश को लेकर रही बात रिसोर्सेज की, तो ध्यान रखिएगा, वन टाइम वन सब्जेक्ट एंड वन रिसोर्स, जस्ट बी सिंपल। बोझ क्रिएट मत करो, एक सब्जेक्ट की एक बुक लो और उसको बस अच्छे से आप पढ़ डालो, आपका कुछ नहीं बचेगा। बचेगा हो सकता है कि आपको 70-80% चीज़ें क्रिएट कंप्लीट हो जाएं, बचेगा जो 20% वो कहाँ आपको करना है। अब इसका अगला पॉइंट आ जाता है, करंट अफेयर्स। इसके साथ आपको अपना अफेयर बढ़ाना चाहिए, आपको कई सारे अफेयर इसके साथ अगर आप बना लेंगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, किसी और के साथ कुछ करने से अच्छा है। एक बड़ी समस्या आप लोगों के साथ और भी है कि ये जो एज है, इस एज में आने के बाद हार्मोनल चेंज बहुत होते हैं। एक लड़के का एक लड़की के प्रति और लड़की का एक लड़के के प्रति जो इंटरेक्शन अट्रैक्शन होता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है आपके अप्रोच को लेकर, डायमेंशन को क्रिएट करने को लेकर, या उसको डिस्टर्ब करने को लेकर। डिस्टर्बेंस क्या क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक डिस्टर्बेंस का टॉपिक मैं यहीं पर आपको भी क्रिएट करूंगा। आप डिस्टर्ब किससे होते हैं, कौन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो शायद आपके बगल में ही बैठा हो। अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आज जो बैठे हो कल नहीं बैठे रहेंगे, कुछ ऐसे बन जाते हैं जो परमानेंट बैठने लगते हैं, और ये जो परमानेंट सीट आप अलाउड कर देते हैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो अपने दुश्मन से बच के रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ को बहुत ख़राब बना सकते हैं। चलिए करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स में दो चीज़ें आती हैं, फिर से अप्रोच एंड रिसोर्स, है ना। करंट अफेयर्स हम पढ़ते कहाँ कहाँ से हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे होना चाहिए, बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, और उनको पढ़ने के लिए उनको कैसे हम अप्लाईबल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हिंदी मीडियम है, तो मैं हिंदी मीडियम की चीज़ें आपको बताता हूँ। इस बार का यूपीएससी का पेपर कितने लोगों ने देखा है प्री का, हाथ उठा लीजिए आराम से। आधे लोगों ने नहीं देखा है। आधे लोगों ने क्यों नहीं देखा है मैं नहीं पूछूंगा, ये आपकी खुद की इच्छा रही है कि जब तक एग्जाम में बैठेंगे नहीं तब तक देखेंगे नहीं, एक प्रण और प्रतिज्ञा सी ली होगी, अपनी अपनी चीज़ें हैं। अगर आपने अपना इस बार, मैं पेपर इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके पेपर से जुड़ी हुई पहलू, अगर आपने पढ़ा होगा इस बार का तो आपको पता चल जाएगा जो चीज़ें मैं कहने जा रहा हूँ वो कितनी सही हैं। जिन्होंने देखा है उनको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पेपर देख लीजिएगा, आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब हुआ क्या है ये देखिए, रिसोर्सेज मैं बाद बताऊँगा। एक करंट का टॉपिक आया, कोई टॉपिक ले लें, आर्थिक आरक्षण आया हुआ है, मिशन शक्ति आई हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हुई हैं। चलिए आर्थिक आरक्षण को लेते हैं। करंट का टॉपिक है, ठीक है। अब आप कैसे कंप्लीट करते हैं, आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और आपको क्या क्या और पढ़ना चाहिए, ये दो चीज़ें, क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ना चाहिए। तो दो इसको भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक स्टूडेंट क्या पढ़ता है और उसे क्या पढ़ना चाहिए, यहीं पे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था, सर क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, है ना। पढ़ता क्या है, आर्थिक आरक्षण आया, आर्थिक आरक्षण कहेगा, हो सकता है कोई करंट का टॉपिक है तो कहते आर्थिक आरक्षण है क्या, एक क्वेश्चन ये उसने जान लिया। उसके बाद आर्थिक आरक्षण को लेकर सरकार ने यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, दूसरा पॉइंट उसने इसमें ये क्लियर कर लिया। तीसरा पॉइंट इसने ये क्लियर किया कि आर्थिक आरक्षण जो लाया गया उसमें प्रावधान क्या क्या हैं।
चलो इसने ये भी पढ़ लिया। चौथा पॉइंट उसने ये पढ़ लिया कि इस आर्थिक प्रावधान के सॉरी आर्थिक आरक्षण आने के पश्चात यहाँ पर प्रभाव इसका समाज के किस वर्ग पर और कैसा पड़ेगा, तो समाज पर उसने प्रभाव इसका पढ़ लिया। लेकिन वो इतना ही पढ़ता है, जबकि उसने एक बहुत बड़े पहलू को छोड़ दिया। आप बता सकते हैं क्या छोड़ दिया उसने? हिस्ट्री छोड़ दी, बेस छोड़ दिया। अब देखो उसने छोड़ा क्या है, उसने ये पढ़ा करंट, लेकिन उसने छोड़ दिया बेसिक। बेसिक का मतलब कोई भी विधान, कोई भी कानून बनाया कहां से जाता है? आपने ये नहीं पढ़ा। कोई भी विधेयक को पारित किया कैसे जाता है, उसके क्या विधेयक को पारित करने संबंधी प्रावधान, आपने ये भी नहीं पढ़ा। यहाँ पर क्या इसके लिए जो बहुमत की आवश्यकता थी वो कैसी थी? क्या सामान्य बहुमत से पारित हो जाना चाहिए था? क्या इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए था? क्या विशेष बहुमत के साथ साथ इसे राज्यों की, आधे से ज़्यादा राज्यों की यहाँ पर अनुमति भी चाहिए थी? तो उसके लिए कौन कौन से प्रावधान थे? क्या आपने इसको पढ़ा? नहीं पढ़ा यहाँ पर। इसके अलावा कौन से अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं, कहाँ पे संशोधन करने, क्या किससे इंटरलेशन करता है, क्या किसी मौलिक अधिकारों का ये हनन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय वो चर्चा का विषय था। तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं, आपने वो पढ़ा या नहीं पढ़ा पता नहीं। ठीक है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर इससे पहले भी कौन कौन से विवाद हो चुके हैं और उसके क्या रिजल्ट रहे हैं, आपने ये भी नहीं पढ़ा। तो आपने सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट किया, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट आपने क्या किया, छोड़ दिया। और यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है आपके, एनालिसिस जाके कर लीजिएगा जितने भी सालों का आपको करना है, सिर्फ तीन तरीके क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के पेपर, सिर्फ तीन तरीके के यूपीएससी क्वेश्चन पेपर। पहला, एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसको हम कहते हैं करंट ओरिएंटेड, दूसरा होता है बेसिक ओरिएंटेड, और तीसरा होता है करंट प्लस बेसिक। बस आपका कोई क्वेश्चन इससे इतर कभी नहीं आता है, जब से यूपीएससी एग्जाम करा रहा है तब से उठा के देख लीजिएगा, आपको यूपीएससी इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। तो सर इसके लिए आप कहते हैं सर अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, ये अप्रोच है आपकी। आप अगर पढ़ रहे हैं करंट को तो पढ़िए ऐसे, करंट के मुद्दा जो आया उसको भी पढ़िए, लेकिन उस मुद्दे से जुड़े हुए सब्जेक्ट के बेसिक पहलुओं को भी जाकर ज़रूर पढ़िए। अब अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो करंट का क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने सिर्फ करंट का पढ़ा है और यूपीएससी ने चलो करंट का क्वेश्चन पूछा तो वो तो कर ले गया, लेकिन मान लीजिए उसने करंट का ना पूछ करके उसने बेसिक पूछ लिया तो क्या वो कर पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ करंट पढ़ के गया था। यदि उसने उठाकर करंट और बेसिक कर दिया तो उसे करंट का तो पॉइंट पता था, लेकिन क्या बेसिक का पता था, तो क्या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा? नहीं कर पाए, और आपका आधा नॉलेज आपका एक क्वेश्चन वहाँ पर छोड़ने को मजबूर कर देगा, या फिर अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर गलत भी करके आएंगे जो आपको नेगेटिव मार्किंग की ओर लेकर चला जाए। लेकिन यदि उस बंदे ने अप्रोच अपनाया होता करंट प्लस बेसिक का, तब यहाँ पर देखिए सिनेरियो क्या आया था। मान लीजिए उसने पढ़ा करंट प्लस बेसिक, अब क्वेश्चन आ गया करंट का आया होगा तो वो क्वेश्चन वो कर ले जाएगा क्योंकि उसने करंट पढ़ा हुआ था, बेसिक का भी क्वेश्चन आया तो भी वो कर ले जाएगा क्योंकि उसने बेसिक भी पढ़ा हुआ था, और करंट प्लस बेसिक आएगा तो भी वो क्वेश्चन कर ले जाएगा चाहे वो करंट प्लस बेसिक को मिलाकर ही क्यों ना पूछा गया। अर्थात एक ही अप्रोच, दो व्यक्ति ने दो अप्रोच अपनाई, एक व्यक्ति उस अप्रोच से तीन क्वेश्चन में से सिर्फ एक कर पाएगा, दूसरा तीन के तीनों क्वेश्चन कर पाएगा। अर्थात रेशियो क्या होंगे सक्सेस के, एक का होगा सिर्फ 100% होगा और एक का 33%। अब आपको अप्लाई करना है कि आप 33% वाले बनना चाहते हैं या फिर 100%। समझ में आई बात?
नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपको अपने करंट को किस अप्रोच से यहाँ पर पढ़ना चाहिए, जो आपकी लाइफ को हेल नहीं बनाएगी बल्कि हेवन बना देगी। तो अगर आप स्वर्ग में रहना चाहते हैं तो बहुत काम आसान कर लेना है। हेल कब बन जाती है आपकी लाइफ? एग्ज़ाम होने के कुछ समय पहले, जो 2-3 महीने पहले का समय होता है, उस समय बच्चे को याद आता है कि सर साल से 1.5 साल का करंट करना है। अब तुम कह रहे हो 18 महीने का करंट आप 3 महीने में कर ले जाएं, तो क्या संभव है कि मैं 18 महीने का सिलेबस 3 महीने में इस लेवल का करा पाऊंगा या आप इस लेवल पे कर पाएंगे? क्या आपके अंदर ये क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है कि आप उसको हासिल कर सकते हैं उस लेवल पे जाके? नहीं कर पाएंगे। आप कितना हासिल करेंगे? हासिल करते करते शायद आप 40-50% हासिल कर पाएंगे, लेकिन 100% आप हासिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा अप्रोच है, मंथली वाइज अपने करंट को कंप्लीट करो, उसके शॉर्ट नोट्स क्रिएट करो जो आपके 3 महीने में रिवीजन के प्रोसेस पे आ जाएं और आप एक मैक्सिमाइज स्कोर वहां पर कर सको। आपका यूपीएससी आपको क्वालिफाई फ्री में कितने में करा देगा पता है? मैं एक जनरल की बात करता हूं, चलिए कुछ लोग कह रहे हैं 50%, कुछ 70%, कुछ 90%। तो 90% वाला कौन था? 90% मत लाइए, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ आप जो कभी फेल नहीं हो सकते उस आंकड़े को लेकर चलो, 100 में से 55 क्वेश्चन जीएस का करके आओ और भूल जाओ रिजल्ट आने की स्थिति को लेकर, मेंस में लग जाओ जाके, आपका क्वालिफाइड है। इतना कभी भी इससे नीचे या इससे ऊपर आप कह सकते हैं, इससे ऊपर कभी कट ऑफ आई नहीं जनरल की। बाकी आप अदर कैटेगरी के हैं तो इससे भी नीचे चले जाइए, लेकिन एक मैं मानक बता रहा हूं, जहां से एक जनरल का व्यक्ति भी अगर डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता तो आप बाकी कैटेगरी का व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई हो ही नहीं सकता। तो 100 में से क्या 55% लाने की क्षमता रखते हैं? बस इतना हासिल कर लो। ये मैं सिर्फ प्री की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं मेंस की भी बात कर रहा हूं। अर्थात आप सेकंड डिवीजन पास हो जाइए बस। मैं फर्स्ट डिवीजन बच्चों की यहां पर पढ़ाने वाला नहीं हूं और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं कि आप फर्स्ट डिवीजन लेकर आइए। मैं सिर्फ चाहता हूं आप सेकंड डिवीजन पास हो जाओ। और सेकंड डिवीजन जानते हैं पास हो जाने 55% से कितना लाता है? कौन सी पोस्ट मिलेगी आपको? डीएम, जहाँ पे सारे आपके नीचे रहेंगे। कितनी खुशी की बात है ना, देखिए चेहरे खिल गए सबके, अचानक रातों रात आप डीएम बन गए। कहाँ अभी कुर्सी वर्सी तो नहीं याद आने लगी? बैठे हुए हैं ऑफिस में, 4 लोग घूम रहे हैं आज के पीछे, चाय पानी आ रहा है अभी नहीं है, लाना पड़ेगा उसके लिए ना 55%। चलिए हम बात करते हैं अगले एस्पेक्ट की। बताएंगे हम स्टेट पीएससी के बारे में, बताएंगे स्टेट पीएससी का अप्रोच, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस कहने का मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, बस मार्क्स की बात कर रहे हैं। देखिए मार्क्स ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा कि आप इतनी मेहनत हर जगह कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेवल जो होता है वो थोड़ा कम ज़रूर होता है, लेकिन बात यह है कि स्टेट लेवल पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। हाँ, स्टेट लेवल पे कंपटीशन आपका यूपीएससी के लेवल से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर उन लेवल पे कई तरह के बच्चे हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, वहाँ पे आपके फ्रेशर भी बच्चे हैं, वहाँ पे आपके एक्सपीरियंस भी बच्चे हैं जो यूपीएससी नहीं दे पा रहे हैं, और ये बच्चे जाकर वहाँ पे कंपटीशन का लेवल बढ़ा देते हैं। इसलिए यदि आप स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको अपना स्टैंडर्ड जो होता है वो उनसे अपर करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल से एक अप्रोच दूंगा, आप स्टेट पीएससी को फोकस ना करके यूपीएससी को फोकस करें। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका अप्रोच क्या होगा, आप ऑटोमेटिक उनसे 10-20% आगे रहेंगे। आपके अप्रोच थिंकिंग की जो लेवल है वो आप ऑलरेडी उनसे बहुत आगे हैं। जो वो चीज़ सोच नहीं सकते आप वहाँ पे से सोचना शुरू करते हैं। यूपीएससी और यूपीपीएससी के स्टूडेंट में, एस्पिरेंट्स में यहाँ मूलभूत अंतर आ जाता है। मैं बहुत छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें आपको बता दूंगा जहाँ पर आप स्टेट पीएससी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ। लेकिन मैं बेसिकली किसी को स्टेट पीएससी प्रिपरेशन करने के लिए नहीं बोलता, उसका एक सीधा सा सिंपल सा मैटर है। यदि आप जिले के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी इतनी कम उम्र में बन सकते हैं तो आप नीचे के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं, जबकि आपको पढ़ना उतना ही पड़ेगा, उतने ही पैटर्न फॉलो करने पड़ेंगे, वही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो आप स्टेट पीएससी में पढ़ रहे हैं और आप यूपीएससी में पढ़ रहे हैं।
तो पहला हमें हमेशा कहता हूँ, आप प्रिपरेशन करो यूपीएससी की, सारे अटेम्प्ट क्लियर करो। नहीं हो पाता है तो फिर आपके पास स्टेट पीएससी का रास्ता हमेशा के लिए खुला हुआ, क्योंकि वहाँ एज भी ज़्यादा है, अटेम्प्ट भी आपके पास हैं, तो अप्लाई करेंगे वहाँ पर। लेकिन सबसे बेहतर मौका, सबसे बेहतर पद के लिए बचा कर मौका आए तो चौका वहाँ पे मारिए। प्रिपरेशन का समय दीजिए अपने आप को, हो जाएगा। और एक चीज़ और, एक बहुत ही अच्छी बात यह है जो आप सब लोग गलती कर जाते हैं, क्या हम सेम ईयर में स्टेट पीएससी और यूपीएससी को या यूपीएससी के फॉर्म को डालना चाहिए? कितने लोग सेम ईयर पर दोनों फॉर्म डालते हैं या डाला हुआ है या डालेंगे, ऐसा अप्रोच है? मैं उसकी बातें बताऊंगा क्यों और नहीं करना चाहिए ऐसा, कहां पे आप क्यों गलतियां कर जाएंगे और कहां से आपका रिजल्ट रुक जाएगा, उसकी मैं बातें बताऊंगा। इसलिए यहां पे क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। क्या कोई ऐसा करते हैं? एक दो, दो ही लोग हैं। चलो, आप गलतियां कहां कर जाते हो? अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, कहाँ पे क्या गलतियाँ कर रही हैं, कहाँ पे करंट आपको पढ़ना है? अच्छा, करंट का रिसोर्सेज रह गया था, रिसोर्सेज जान लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। करंट का जो आपका रिसोर्स है, आपको दो चार हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और दो चार भी क्या, अगर आप दो ही आप अच्छे से फॉलो कर लें तो आपकी सारी न्यूज़ वहाँ पर होती है, और इसीलिए हमेशा मैं दो चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, RSTV और PIB। आप सिर्फ इन दो चीज़ों को फॉलो करिए, आपको हर प्रकार की, हर क्षेत्र की न्यूज़ वहाँ पर आपके पास होंगी। RSTV में आपका विशेषांक आता है, विशेष नाम से आता है, और इसके अलावा देश देशांतर आता है, यहाँ पर अर्थनीति आती है, यहाँ पर आपको विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक आता है, तो यहाँ पर कई सारे अलग अलग पहलू हैं जो आपको वहाँ पर हर एक विषय वस्तु की जानकारी देते हैं। इसके अलावा PIB पर सरकार के द्वारा जो भी घोषणाएं होती हैं, जो भी नई चीज़ आती हैं, जो भी यात्राएं होनी होती हैं, उन सबसे संबंधित जो भी दस्तावेज होते हैं, जो भी पॉइंट होते हैं, आपको PDF फाइल में भी वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां पर उपलब्ध होती हैं, उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ होती है। तो आप सिर्फ इन दोनों चीज़ों को फॉलो करिए, आपका सारा मैटर यहां से हो जाएगा करंट अफेयर्स का। इसके अलावा भी अगर आपको होता है ना कि दोस्त सर से नहीं, सर एक और बता दीजिए, तो मैं डिटेलिंग तो करता इतने चले जाऊंगा कि आप कोई भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये मैटर आ जाता है। अब और क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने जो अलग चैनल्स पे देखी हैं वो अच्छी हैं। एक आपको दृष्टि का आता है, दृष्टि की एक ऑडियो आर्टिकल का एक आता है, अगर कुछ लोगों ने देखा होगा तो वो अच्छा है। वहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक के विभिन्न आयामों को वो वहाँ पर अच्छे से व्याख्यायित कर देते हैं। दृष्टि का वो विशेषांक वहाँ पर देख सकते हैं। प्लस कुछ लोग होते हैं जिसको डेली आपको काम करने का मौका नहीं मिलता है, तो इनकी वीकली आती है करंट न्यूज़, यहाँ पर पूरे एक वीक की आपको न्यूज़ मिल जाएगी, और इस न्यूज़ से रिलेटेड आपको PDF मिल जाएगी। उन्हीं के लिंक में आप नीचे जाएंगे तो लिंक में ही आपको वहाँ पर PDF फाइल मिल जाती है, जिसको आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और चीज़ों को सुनकर आप एक व्यूज़ की नहीं मिलता है, संडे टाइम मिलता है, संडे को बैठ के एक वीक की सारी न्यूज़ आप देख सकते हैं, और उनके जो PDF होते हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए, और उनका जो मेन पॉइंट है आप हार्ड कॉपी में निकाल के उनको आप मेन पॉइंट्स को आप बना लीजिए, तो वो आपका काम आसान हो जाएगा। डेली नहीं कर पाते हैं तो वीकली कर, अगर डेली कर पाते हैं तो डेली के लिए आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। ये मैक्सिमम रिसोर्स हैं। इसके अलावा आप Study IQ भी देख सकते हैं, और जो भी आपको चैनल पसंद आते हों वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ अगर आप ये दो अच्छे से फॉलो कर लें तो आपको कुछ अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। वीकली करंट न्यूज़ के लिए आप दृष्टि को यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी PDF फाइल आपको मिल जाएंगी। लेकिन पढ़ने का जो तरीका है, अप्रोच आपकी वैसी ही होनी चाहिए। अब चलिए, बात किस मैं कुछ करने जा रहा था, हाँ सेम ईयर पेपर को लेकर। स्टेट PSC और UPSC ऑन सेम ईयर क्यों नहीं करना चाहिए? जो लोग ये करते आए हैं, सबसे पहले मैं उनसे कुछ बातें करना चाहूँगा, उनका कुछ एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरी जो बातें होंगी आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएंगी जब वो अपने अनुभव आपसे शेयर कर देंगे। हाँ, तो कौन, दो लोग हाथ उठाए थे, एक बार फिर से उठा लीजिए। हाँ, तो पहले आप बताएं, अपना अप्रोच बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं सेम ईयर डालने का, आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, क्या क्या आपको समस्याएँ आईं, आपको कैसा लगा,
ठीक है, और ठीक है, और कुछ क्या रिजल्ट मिला? मेरे कहने का मतलब पीसीएस इजी लगता है, ओके ठीक है। हाँ आप बताएं। अच्छा आपको भी इजी लगता है कंपैरिजन में सेम ईयर डालने से, ओके। एक इजी लगने वाला एस्पेक्ट आप लोगों के दिमाग में बहुत आता है, मैं कहता हूँ एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको गलत वे में या कुछ नेगेटिव मत मानिएगा, क्या आपको रिजल्ट मिला? नहीं, क्यों? क्या इसका आंसर है आपके पास? जबकि कह रहे हैं आप स्टेट पीएससी इजी था यूपीएससी के हिसाब से, लेकिन ना ही आपका यूपीएससी का रिजल्ट मिला और ना ही आपको स्टेट पीएससी का रिजल्ट मिला। तो क्या आपने ये एनालिसिस किया आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिला? आप यहां पर आके सोचते नहीं, और यूपीएससी एस्पिरेंट फालतू की चीजें बहुत सोचता है, लेकिन जहां सोचना चाहिए वो वहां पर नहीं सोचता। बेस्ट थिंग आपने की अपनी लाइफ की और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिला। मैं तो यहां पर सबको सजेस्ट करता हूं, सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ, अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो, अगर आपको सही गाइडेंस पता है तो, क्योंकि आप कोचिंग भी कर लें फिर भी आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़े। तो आपने अपनी लाइफ के शायद सबसे अच्छे मोमेंट्स में रहते हुए आपको रिजल्ट नहीं मिला, जो फाइनली सबको जाकर करना ही पड़ेगा। सही गाइडेंस नहीं मिलती, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या अप्रोच, क्या छोड़ना है मुझे। तो ऑन एन एवरेज आप फंसते कहाँ हैं? अप्रोच में। देखिए होता क्या है, टाइम कितना है दोनों के लिए? एक साल। इसके भी तीन पैटर्न हैं, इसके भी तीन पैटर्न हैं। कॉमन कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ सिक्स हो गए। महीने कितने हैं? 12 हो गए। नंबरिंग का खेल है ये, न्यूमरोलॉजी यदि आप समझते हैं तो। आप इसमें अच्छे नहीं, फंस जाएंगे। फंस क्यों जाएंगे? आपके एग्जाम का जो पैटर्न है ऑन एन एवरेज सेम टाइम पे पढ़ जाते हैं। मैं यूपीएससी रखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक स्टेट लेता हूँ यूपीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू। यूपीएससी का एग्जाम आपको कंफर्म है प्री का जून में होना, यूपीपीएससी का नहीं कंफर्म है। यूपीएससी का मेंस भी आपको कंफर्म है सितंबर लास्ट तक, अक्टूबर के पहले वीक तक हो जाना है, 100% श्योर्ड है, कभी इससे पीछे आगे होगा ही नहीं। अक्टूबर फर्स्ट वीक। और इंटरव्यू भी आपको पता है कब आ जाएगा, फरवरी लास्ट और मार्च। चलो अगर आपका ये क्लियर है, आपको पता है कब कहाँ पर कितना समय मुझे मिलने वाला है अपनी प्रिपरेशन को लेकर, अब यहीं पर खेल आता है जब आप सेम टाइम पे यूपीपीएससी को इंटर कर देते हैं। यूपीपीएससी मान के लीजिए आपको कभी भी इसका प्री होता है वो सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं होता, ऑन एन एवरेज यहीं आके जाके ये फंसेगा, फंसता है। इसका मेंस कब जाके फंसता है? यह आपको जहाँ तक है जनवरी से मार्च के बीच जाके फंस जाएगा, और उसका इंटरव्यू फिर आपके जून में आके फंस जाएगा। तो महीने अगर देखें तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को साइकिल में चल रहे हैं, लेकिन प्रोसेस दोनों का अलग है। यहाँ पर प्री है, यहाँ मेंस चल रहा है, यहाँ मेंस चल रहा है तो यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ आपका इंटरव्यू चल रहा है तो यहाँ मेंस चल रहा है। और आपका माइंड प्रोसेस हर एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, प्री का जो माइंड सेटअप है वो मेंस का नहीं होता, जो मेंस होता है वो इंटरव्यू का नहीं होता, और जो इंटरव्यू का है वो प्री का नहीं होता है। और आप यहीं पर आपको समय कैसे मैनेज करते हैं यहीं आप गलत कर जाते हैं, पूरा का पूरा सिनेरियो गलत हो जाता है और आप रिजल्ट यहां पर गेटिंग नहीं करते। कितनी आसान चीजें हों लेकिन हर आसान चीज को करने के लिए आपको पर्याप्त समय चाहिए ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें।
और अगर आप न्यूमरोलॉजी में फंस कर रह जाते हैं, वहाँ पे आपको ये लगता है कि सिलेबस के अनुसार, पेपर के अनुसार ये चीज़ें ईजी हैं यूपीएससी के लेवल्स की, और आप एक ही टाइम पे दोनों चीज़ों को गेटिंग कर सकते हैं, तो भूल जाइए, आप एक साल में दोनों चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक आप उस लिहाज से प्रिपेयर्ड नहीं। तो हमेशा मैं हमेशा इसलिए फोकस करता हूँ और बच्चों को सजेस्ट भी करता हूँ, वन टाइम सिर्फ वन थिंग, डोंट थिंक टू मच थिंग, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा चीज़ें आपको वहाँ पर अप्लाई करने से या हासिल करने से, वहाँ पर आपके हाथ में कुछ नहीं। एक टाइम पर एक चीज टारगेट करो, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। समय लगेगा लेकिन वो समय चाहिए, क्योंकि वो डिमांड करता है। डिमांड क्या है, आपको पता है कितने सब्जेक्ट आपको जाकर पढ़ने पड़ते हैं? अभी आपको पेपर मैंने बताया, आपको अपनी यूपीएससी या यूपीपीएससी का भी लेवल सेम है, सब्जेक्ट सेम है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं आपके पूरे की पूरी प्रिपरेशन में? कोई सही सब्जेक्ट के नंबर बता दे, न्यूमरोलॉजी जिसकी बहुत अच्छी है, एग्ज़ाम दिया है ना सब आपने, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपकी प्रिपरेशन को लेकर, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं? 4, 10, 20, 50? हाँ, सीसेट काउंट नहीं होता है? क्यों नहीं काउंट होता है? आप सीसेट नहीं देंगे तो आपको बाकी का मंजिल ही पहले ही रुक जाएगी। मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहला चरण सीसेट है, वो नहीं क्वालिफाइंग हुआ तो आपका जीएस का प्री का नहीं होगा, और जीएस प्री नहीं हुआ तो मेंस लिखने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। तो पहला चरण हमेशा सी सेट, और सी सेट के 5 सब्जेक्ट आपको करने हैं। पांचवा हो गए, प्री के में कितने हो गए? प्री का छोड़िए, प्री के सब्जेक्ट वैसे भी मेंस में आते हैं, आप मेंस में आ जाइए। मेंस में कितने पेपर हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 9 हैं। अभी मैंने आपको बताया, फिर भी बताइए, काउंटिंग कर रहे हैं आप लोग? अभी मैंने बताया, अभी तक काउंटिंग नहीं किया, हल्ला करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से काउंट कर सकते थे अभी तक, गिन के छोटे से कॉपी फटाफट फटाफट। चलिए काउंट कर लेते हैं, आपको मैं काउंट करा देता हूँ, पता नहीं हिंदी कितनी की मैथ अच्छी है, गलत हो जाए तो कहेंगे सर एक ज़्यादा कम हो गया। फर्स्ट पेपर में 3 को आप डिवाइड कर लीजिए तो हो जाएंगे आपके 10, ठीक है? 10 के बाद आपको दूसरे पेपर पे आ जाइए, दूसरे पेपर में आपके 4 आते हैं, टोटल हो गए 14। थर्ड पेपर पे आ जाइए, 5, 19। फोर्थ पेपर आपका 20, ऑप्शनल आपका 21, आपके हिंदी और इंग्लिश 21, 2, 23, सी सेट के 5, टोटल 28, 28 सब्जेक्ट्स। और आप कहते हैं कि हम एक साल में 28 सब्जेक्ट को एक बार यूपीएससी के लिए और 28 सब्जेक्ट को एक बार यूपीपीएससी के लिए पढ़ लेंगे। इनक्रेडिबल पर्सनालिटी एंड योर माइंड, अगर आप हैं यू कैन अचीव, बट आप जानते हैं कि आपको रिजल्ट उसका नहीं मिलता है तब तक जब तक आपने अपने 28 सब्जेक्ट। अब इसको देखिए, स्टूडेंट कहता है आते ही इंक्वायरी जो आती है, सर कितने महीने में कोर्स हो जाएगा? उसे बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ पता है उसे नहीं पता है, वो ये कहता है सर कितने महीने में हो जाएगा कोर्स, कितने महीने में करा देंगे? तो हमारी एक अंदर से आवाज़ आती है कि यार हम तो आपको 3 महीने में करा दें, आप कर लोगे ये बताओ पहले। तो क्षमता आपकी क्या है, आपने ये बिना बताए परिचय दिए हुए आप ये चाहते हैं कि हम आपको कम से कम समय में करा दें। आपको पता है हम आपको 1 महीने में यूपीएससी का पूरा करा सकते हैं, लेकिन क्या आप उसको इतना ग्रहण कर सकते हैं? 28 सब्जेक्ट हैं, एक दिन में एक ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन क्या आप एक दिन में एक पचा पाएंगे? ज़रूरत से ज़्यादा क्या आप खाना खा सकते हैं? सीधी सी बात। तो एक चीज़ मान के चलिएगा, जब आपको यूपीपीएससी या सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है, आपने पास समय लेकर आइएगा। समय का मतलब है 2 साल बाकी चीज़ों को भूल के सिर्फ सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए देना। अब इसके साथ साथ जो जुड़ा हुआ पहलू है, इसका आंसर आपको मिला, आप क्यों गलती करते हैं, आपको क्यों एक साल में नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप नंबर गेम में फंसते हो, और नंबर गेम में आपका गेम
न इधर के रहोगे न इधर के रहोगे। कहते हैं कि एक व्यक्ति को दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो नाव एक टाइम के बाद अपने रास्ते अलग हो जाते हैं उनके, और इसका मतलब या तो आप डूबोगे, या तो आपकी जो टांगे हैं बस सामने वाले दोनों ने अगर पकड़ रखा है तो आप 20 से दोनों के आधे आधे हो जाएंगे, तो ना उसको मिलेंगे और ना इसको मिलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम इस ईयर से एक चीज़ अपनी प्रस्तावना में डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा, वन टाइम सिर्फ वन, अर्थात एक ईयर में सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस करना है, या तो UPSC या तो स्टेट PSC। मैं किसी चीज़ के मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी करो तो एक चीज़ करो, आपको रिजल्ट आने के चांस 90% होंगे, लेकिन आप दोनों करोगे तो शायद 10% भी नहीं, तो बाकी निर्णय आपका होगा। इसके लिए आपको बार बार आपको टीचर से आके पूछने की ज़रूरत नहीं है, सर मैं दूं या नहीं दूं। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं, दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, आप अपना एग्ज़ाम का ईयर चूज़ करते हैं, मैं आप अपना फॉर्म अभी होगा, आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपकी काउंसलिंग होगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जब हमारे यहाँ एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन लेने के बाद आपकी काउंसलिंग की जाएगी, आप एक स्टूडेंट की, और उस हिसाब से आपकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और वहाँ पर आपको आगे की चीज़ों पर चर्चा की जाएगी आपके साथ। तो वहाँ पर आपकी काउंसलिंग में एक चीज़ वहाँ पर पूछी जाती है, अपियर्ड एग्ज़ाम एंड नेक्स्ट टारगेट। अपियर्ड एग्ज़ाम का मतलब आपने कब कब एग्ज़ाम दिया है और आप अगली बार एग्ज़ाम कब देना चाहते हैं। तो हम अगली बार के एग्ज़ाम को आप डिसाइड नहीं करेंगे, अगली बार के एग्ज़ाम को हम डिसाइड करेंगे। आप अपना एग्ज़ाम अपने हिसाब से भरेंगे, लेकिन हम आपको तब तक नहीं कहेंगे जब तक हम अपने अनुसार अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा देते हैं, और आपकी क्षमता को हम जान नहीं लेते कि आप इस काबिल हो चुके हो। यदि इसके इतर आप जाके निर्णय लेते हो तो उसके लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इसलिए हम वहाँ पर पूरी की पूरी आपकी जानकारी लेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपकी प्रतिभा को जानेंगे, और उस अनुसार आपके प्रिपरेशन का आकलन करते रहेंगे, उससे आपको अवगत कराते रहेंगे, और उस हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपको कब अप्लाई करना है। ओके, चलो, तो ये बात हो गई। एग्ज़ाम को आपके एक ही ईयर में दो एग्ज़ाम क्यों नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, चाहे वो PSC देना हो, चाहे आपको UPSC देना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीथिंग इसमें आपको जो पूछना हो, कोई डाउट्स? नहीं, देखिए, तो हमने यहाँ पर आपको सिलेबस कंप्लीट कर लिया, स्टडी मटेरियल हो गया, अप्रोच की बात हो गई, करंट अफेयर्स की बात हो गई, अगली बात आपकी करते हैं टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट को हम जो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, देख स्टूडेंट या एस्पिरेंट की वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करता है, सबसे पहली चीज़ आती है टाइम मैनेजमेंट। आपकी प्रस्तावना लिखी होनी चाहिए, अन्यथा फिर टीचर से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और उसका समय बहुत अमूल्य है। चलिए टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। हम सबके पास 24 घंटे हैं, इक्वल हैं, हम सब बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव तो नहीं किया जा रहा, किसी के दो घंटे चुरा लिए जा रहे हो, पता नहीं चल रहा हो, रिपोर्टिंग करनी पड़ रही हो, तो ऐसा नहीं है ना, सबको 24 घंटे बराबर हैं, मिनट सेकंड सब बराबर हैं। लेकिन क्या उस 24 घंटे में आप दूसरों के बराबर स्थिति पे हैं, दूसरों से बेटर स्थिति पे हैं, दूसरे से नीचे स्थिति पे? तीन स्थितियां होंगी, या तो आप बेहतर होंगे, या तो आपके उसके समकक्ष होंगे, या तो आप उससे खराब होंगे। और इसके लिए एक पहलू आता है जिसको हम कहते हैं कि एक समय का कितना और कैसे प्रयोग करना चाहिए। देखिए, देखने का अपना एक नज़रिया है अपनी लाइफ में एक चीज़ों को लेकर, हर व्यक्ति किसी चीज़ को अपने तरीके से देखता है, दृष्टिकोण है अपना। कुछ लोग कहते हैं अपनी अपनी चीज़ों को लेकर, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर UPSC देने के लिए सिर्फ जनरल के लिए 6 ही अटेम्प्ट हैं, एज 32 साल है, इन फ्यूचर उसको भी कम किया जा रहा है, शायद 28 कर दें, अटेम्प्ट भी कम कर दिए जाएँ, उसको लेकर लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ हिंदी इंग्लिश मीडियम को विरोध कर रहे हैं, कुछ CSAT का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग कोई भी परिवर्तन आने के बाद एक निगेटिव पॉइंट को रखते, एक नज़रिया रखते हैं, मैं निगेटिव हो या पॉजिटिव हो अपना अपना है, लेकिन एक नज़रिया हर कोई यहाँ पर रखता है। नज़रिया इस समय को ही लेकर, एक अपनी लाइफ को लेकर, और हर एक नज़रिए के पीछे की अपनी एक कहानी, जिसको आप अलग अलग प्रोस्पेक्टस में, अलग अलग डायमेंशंस में चीज़ों को क्लियर कर देते हैं।
तो आखिर नज़रिया है कैसा, किसका, उसकी बात करते हैं। कहते हैं कि एक लाइफ जो होती है बहुत ही शॉर्ट स्पैम टाइम के लिए होती है आपके पास, जहाँ पर आप जो करना चाहें, जो हासिल करना चाहें, वो यहीं है और उतना ही समय है। लेकिन आप उसको देखते कैसे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो इसको लेकर जैसे कि बोला जाए यदि कि लाइफ आपकी बहुत छोटी है, बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत कितनी भी छोटी हो, एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि लाइफ कितनी छोटी है इसमें क्या होगा, लाइफ कितनी छोटी है इसमें क्या होगा, कितने कहते ये बात हैं, कितने कहते ये बात हैं कि लाइफ कितनी छोटी है इसमें क्या होगा। मैं कहता हूँ यह सिर्फ़ एक देखने का नज़रिया है, मैं कहता हूँ यह सिर्फ देखने का एक नज़रिया है, क्योंकि लोग यहाँ तो करते रातों रात चमत्कार। तो सिर्फ और सिर्फ आपके देखने के नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ, ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपने आप को एक पॉजिटिव वे में रखता हूँ, कोई भी चीज़ होगी अच्छे के लिए होगी, लेकिन क्या आप उसको देखते कैसे, तो एक नज़रिया क्या होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इसी की बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट में। 4 अटेम्प्ट मिले हैं, 6 अटेम्प्ट मिले हैं, 32 साल की एज है या 28 साल की एज, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको एक साल और एक पोस्ट चाहिए जहां पर आप वो हासिल कर लें, अनुर कुछ नहीं। हमें 4 अटेम्प्ट नहीं चाहिए, हमें 6 अटेम्प्ट नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा अटेम्प्ट चाहिए जिस साल मैं एक पोस्ट को कैप्चर करने की क्षमता रखता हूं। और वो एक साल कौन सा है, ये आपकी प्रिपरेशन, ये आपका टाइम बताएगा, ये आपका टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। तो क्या आपका टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि आप उस एक पोस्ट को एक साल कौन सा है ये डिसाइड कर सकते हैं? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई कितना भी समझा ले, होना जाना कुछ नहीं। सही बता रहा हूँ, क्योंकि और ये एक्सपीरियंस है, ऐसे बहुत लोग आए जिनको बहुत सारा नॉलेज बांटने के बाद भी वो आज भी उसी स्थिति में, क्योंकि उनको वो चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, उनको चीज़ें वैसे फॉलो करनी है जैसे उन्हें अच्छा लगता है। तो चलिए बात करते हैं 24 घंटे। देखिए टाइम मैनेजमेंट आपको 2 से 3 स्टेप के हैं, ये आपको कब कौन सा टाइम फॉलो करना है टाइम मैनेजमेंट, ये बात याद रखिएगा। एक स्टूडेंट जो क्लास भी करता हो उसके साथ सेल्फ स्टडी करता हो, उसका टाइम मैनेजमेंट क्या होगा? जो रेगुलर क्लास करता होगा, रेगुलर क्लास का मतलब आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से। इसके अलावा एक स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करता हो, उसका बाकी से क्लास से उसका कोई लेना देना नहीं है। और ये सेल्फ स्टडी के भी 2 आयाम हैं, बिना कोचिंग और आफ्टर कोचिंग। हर व्यक्ति के अलग अलग टाइम है। अब यहाँ पे कैटेगरी हो जाती है आप लोगों की, आप में से कुछ इस कैटेगरी में फिलअप कर जाएंगे, आई थिंक मैक्सिमम लोग फिल कर जाएंगे, कोई ऐसा बचेगा नहीं जो इन कैटेगरी के बाहर होगा, ठीक है? तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहली बात आती है टाइम मैनेजमेंट में, जो क्लास भी कर रहे हों और उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी करते हों, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग कौन हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं? आराम से हाथ ऊपर कर लीजिए। ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी के हैं, क्लास कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, आपने आज तक की सेल्फ स्टडी से क्या अचीव किया है क्लास के साथ साथ? इसके जुड़ा हुआ दूसरा पहलू, क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए। क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने आप को पहले, अर्थात ये चीज़ करने से पहले की अवस्था से वर्तमान की अवस्था से तुलना करने के पश्चात क्या आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट के स्तर पर देख पाते हैं? मेरे पूरे क्वेश्चन का मतलब ये,
आपको रिजल्ट क्या मिला है, आपको कहाँ टेक्निकली प्रॉब्लम्स होती हैं और कहाँ आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, अब इसका आप उत्तर दे सकते हैं। क्या हुआ, कोई नहीं देगा? ठीक है, बेसिकली आपको वोकैब की प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको कई बार चीज़ों की परिभाषाएं सब परेशान कर देती हैं, कई बार एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग या एक कह सकते हैं कि विश्लेषण आपको नहीं करना आता है, एनालिसिस नहीं करना आता है टॉपिक की, आपको समीक्षा करनी नहीं आती है, आपको इंटरलेशन करना नहीं आता है, आपके मल्टी डायमेंशनल थॉट्स क्लियर नहीं होते हैं, बहुत बड़ी इश्यूज़ होते हैं। शायद आप यदि क्लास कर रहे हैं तो आपकी सेल्फ स्टडी में वो रिफ्लेक्ट होता है, जो कि सेल्फ स्टडी में बिना कोचिंग वालों को कभी नहीं मिलता है। वो यहाँ पर क्या मिस करते हैं, वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मिस कर जाते हैं और अपनी लाइफ का बहुत बहुमूल्य समय बड़े अच्छे से शांत चित्त तरीके से व्यय कर रहे होते हैं। और जब वहाँ पर उस इन्वेस्टमेंट का कहते हैं ब्याज मिलने का टाइम आता है तो पता लगा कि पैसा डूब गया, समय व्यर्थ हो गया। फिर वो भागता है, आसपास लोगों से पूछता है, कोचिंग संस्थान देखता है, यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो देखता है और मोटिवेट होने के लिए संदीप माहेश्वरी और पता नहीं किनको किनको सुनता रहता है। और वो मोटिवेशन देखिए कितने दिन तक रहता है, कितने दिन तक, जब तक सुन रहे हो लगता है कि आप तो कुछ भी कर जाएंगे, और वहीं उसको बंद करके आप दरवाजे के बाहर निकले बस वापस अपने ही माहौल में लौट आए। तो ऐसा मोटिवेशन किस काम का और ऐसे लोगों को सुनने का क्या फ़ायदा? सबसे बड़ा मोटिवेशन जानते हैं आपके लिए क्या है, सेल्फ मोटिवेशन। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपके पास एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो आपको लगातार एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करे। इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, कौन सी लाइन, एक टैगलाइन हम क्रिएट करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अपनी खुद की टैगलाइन क्रिएट करते हैं और वो टैगलाइन उनको बार बार प्रेरित करती है एक अच्छी चीज़ों को करने के लिए, और जब भी वो डिमोटिवेट होते हैं तो वो उसको अप्लाइबल कर जाते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो आपको आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए दो क्लास होंगी यहाँ पर कम से कम आपकी, जो अभी क्लास करेगा, क्लास की जो टाइमिंग होगी, क्लास टाइमिंग की भी मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। अब यहाँ पर एक शेड्यूल में खाका प्रेस करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे खाका को फॉलो करें, ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी दिनचर्या के हिसाब से, लेकिन बड़े बड़े स्तर पर वो चीज़ें वैसी ही बनी रहनी चाहिए, थोड़े बहुत चेंजेस आप उसमें कर सकते हैं। ये कॉमन एक प्रोसेस मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए होगा क्या, आपकी क्लास की दो टाइमिंग है, जीएस की दो सब्जेक्ट आपके चलेंगे, पहला है एक होगा आपकी 11:30 से 1:30 और दूसरा 2 बजे से 4 बजे तक। एक में आपका प्री का मेंस का टॉपिक चलेगा, अर्थात ऐसे टॉपिक जो ओनली प्री में आते हैं और मेंस में भी वो इंटरलेट करते हैं, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री प्री में भी आती है और मेंस में भी आती है, ज्योग्राफी प्री में भी आएगी और मेंस में भी आएगी, इकोनॉमी प्री में भी आएगी और मेंस में आएगी, पॉलिटी भी प्री में आएगी मेंस में आएगी, साइंस भी प्री में आएगी मेंस में आएगी, एनवायरनमेंट भी प्री में आएगा मेंस में आएगा। तो ऐसे टॉपिक के लिए एक क्लास चलेगी, दूसरा जो क्लास होगी वो ऐसे टॉपिक के लिए होगी जो ओनली मेंस के हैं, जैसे IR, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ऑप्शनल, इंडियन सोसाइटी, तो ये सारे जो टॉपिक आते हैं, एथिक्स है तो वो ऐसे है, वो सब के सब आपको दूसरे GS की क्लास में चलें, अर्थात हम आपका प्री और मेंस के सारे पहलुओं को साथ में लेकर चलें। और इन फ्यूचर ये हो सकती हैं 3 क्लासेस। तीसरी क्लास किस लिए होगी, CSAT और लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश के लिए, जो आपके लिए क्वालिफाइंग वाले पेपर हैं। तो ये क्वालिफाइंग का बहुत लंबे समय तक क्लास नहीं होंगी, शॉर्ट टर्म के लिए होंगी, लेकिन आपको हाँ 2-3 महीने आपको इसको झेलना पड़ेगा। CSAT भी आपको 2 से 2.5 महीने झेलनी पड़ेगी और लैंग्वेज की भी क्लासेस कम से कम दोनों ही 15-15 दिन की होंगी या 1-1 हफ्ते की होंगी, तो आपको मान के चलिए 3 से 4 महीने आपको तीसरा सेशन भी लेना पड़ेगा। ऑन पूरा जो पूरा कोर्स होगा
18 घंटे में नहीं कंप्लीट होगा, 18 दिन में भी कंप्लीट नहीं होगा, 18 महीने में कंप्लीट होगा। तो 18 महीने आप अपना मुझे दीजिए, हमें दीजिए, सिर्फ मुझे मत दीजिएगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय, बहुत सारे लोग हैं तो उनको भी दीजिएगा। तो ये आपको कंप्लीट कराएंगे ऑन एन एवे सारा चीज़ों को लेकर, हमें भी कुछ जगहों पर हेल्प कर दूंगा आप लोगों की, और आप लोग हमारी हेल्प कर दीजिएगा। तो क्लास की टाइमिंग ये हो गई। अब बात आती है, सर अगर हम सारा दिन क्लास में ही बैठे रहेंगे तो यहाँ पर सर आपने एक चीज़ लोगी सेल्फ स्टडी, ये कहाँ आता है? हम तो यहीं बैठे हैं सारा दिन, अब घर पे जाके क्या करना है? अब एक चीज़ और आती है, इसमें से कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो बहुत दूर से आता होगा। यहाँ पे इतने ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम यहाँ पर 4 से 5 किलोमीटर दूरी से आते हैं, कम से कम। चलो ठीक है, इन लोगों के लिए अभी और काम टाइम मैनेजमेंट का, डेली आना, डेली जाना, आधा एक घंटा ट्रैवलिंग में गुजारना, तो इनका जो टाइम वेस्ट होगा उतना टाइम आप क्या कर लेंगे, सेल्फ स्टडी में बिता लेंगे। अब देखो तीसरा जो टाइम होगा वो भी मैं बता दूं, 9 से 11 का होगा, अर्थात आपकी क्लासेस सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक चला करेंगी, ऑन एन एवरेज सिर्फ इतनी चलेंगी 11 से 4। अब आपके पास कितना समय बच रहा है, 24 घंटे में, चलिए मैं समय निकालता हूँ, फिलहाल ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम 11 से 4 रहेगा, तो कितना समय आपका गया, सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे। टोटल घंटे कितने हैं, माइनस होकर कितना आ गया, अब 19 घंटे का करेंगे क्या आप, ज़्यादा बच गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आना शुरू होता है बच्चे की तरफ से, सर काम मेरे पास क्या क्या काम है, सुनाना शुरू करेगा। सर कुछ लोग होते हैं खाना बनवाने, सर डेली 1 घंटा सुबह, डेली 1 घंटा शाम को खाना बनाना पड़ता है। अच्छा चलो ले लो 2 घंटे, 17 तो बच गए, सर खाना भी पड़ता है। अच्छा अच्छा ले लो भाई आधा घंटा और ले लो, 15 मिनट आधा घंटा घंटा ले लो, 1 घंटा निकाल दो, 16 घंटे तो बच गए। आप बताओ सर 16 घंटे में, हाँ सोएंगे ना, मैं बता तो रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, 6 घंटे में निकाल दे रहा हूँ आपके लिए, सो जाइए। 6 कुछ लोग 4 ही घंटा सोते हैं, कुछ लोग 8 घंटे सोने वाले भी हैं क्या, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इन लोगों का, देखो मैं नहीं कह रहा ये लोग कह रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 6 घंटे निकाल दिए, फिर भी बच गया आपके पास 10 घंटे। क्या सर कोचिंग आने और जाने के दौरान बहुत सारी क्रियाविधियाँ होती हैं, बहुत सारा टाइम आईने के सामने देना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है और आने जाने में समय जाता है। मैंने कहा सही है, अच्छा दिखेंगे तो अच्छे लगेंगे तो अच्छा, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। मैंने कहा चलो भाई ले लो 1 घंटा, इससे ज़्यादा तो समय आई थिंक महिलाएँ भी नहीं लेती हैं, तैयार हो जाएंगे, ज़्यादातर आप लोग पुरुष ही बैठे हैं, 1 घंटा काफ़ी है तैयार होने के लिए, नहा धो के फ्रेश हो के तैयार हो के निकलने भर के लिए। फिर भी आपके पास कितना बच गया, 9 घंटे। और भी कुछ एक्सक्यूजेस हैं बता दो, अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ उसके लिए। अच्छा 9 घंटे कम है उसके लिए, आप पूरा वेस्ट कर दोगे उसके लिए, फिर भी वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स की चर्चा की जाएगी साइंस एंड टेक के टॉपिक में, अभी मैं बताऊंगा साइंस एंड टेक अर्थात टेक्नोलॉजी आपके लिए कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, कैसे उपयोग करेंगे, कैसे सदुपयोगी है और कैसे अपने समय को अपनी लाइफ को कहाँ ले जा रहे हैं। चलिए सोशल नेटवर्किंग साइट का मुझे नहीं अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली यूज़ बहुत कम करता हूँ, और उसके लिए यूज़ भी करता हूँ तो दूसरे एंगल से यूज़ करता हूँ। तो चलो फिर भी आप आधा घंटा, कितने सारे साइट्स पे होंगे, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, और भी कोई है, टिक, अरे एक तो टिकटॉक और लाइकी, इन सब के चक्कर में क्या क्या हो रहा है पता नहीं। वो तो बनाने बनाते आप एक्टर बन जाइए फिर, आपको यही करना है। तो चलिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए मान लो कहाँ गया टाइम, 9 घंटे थे,
आपके लिए कम ही पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको दे देता हूँ। चलो एक घंटा, सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा समय आप वेस्ट करोगे, तो एक घंटा वेस्ट कर लो इसमें। हाँ वो आपके लिए अलग हम चर्चा करेंगे, ये हाँ ये सामान्य लोगों के लिए है, ये जॉब वालों के साथ नहीं है। ठीक है, तो पहले हम सामान्य लोगों की बात कर लें, फिर ये जो अपवाद स्वरूप लोग भी हैं विद जॉब वाले उनके साथ चर्चा करें। तो ये हमने निकाल दिया, अब बचे आपके पास 8 घंटे। आई थिंक अब आपके पास कोई काम नहीं है, आपने सब कुछ कर लिया और इसके बाद भी आपके पास 8 घंटे हैं। अब ये 8 घंटे किस समय यूटिलाइज़ करना है, यही काम आएगा टाइम मैनेजमेंट। मैं कहता हूँ इस 8 घंटे को क्लास के दौरान 8 घंटा का जाके सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं। कितना पढ़ने की ज़रूरत है और क्या पढ़ने की ज़रूरत है, ये बहुत सही है। आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो आपको यहाँ पर चल रहे हैं। इससे क्या होता है, आपको कम समय में सिर्फ घर पर जाके उसको रिवीजन कर लेना। कितना चाहिए रिवीजन करने के लिए समय, 30 घंटे से 45 मिनट, समझ के मान लो 1 घंटा। और उसके क्या होंगे, जब आप उसी चीज़ को पढ़ेंगे क्लास में, हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें टीचर के द्वारा बताई जाने पर आपको बहुत क्लियर हो जाती, लेकिन घर पे वही सारी चीज़ें जाके पढ़ने के बाद लगता है कि कोई डाउट्स रह गए, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए जब घर पे जाके आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपके डाउट्स क्या क्या रह गए, और वहीं पर आपको अपने पेजेस को, कॉपी होगी ये, इस कॉपी में 20 से लाइन खींच लें साइड से दोनों, आपको सारे पॉइंट जो भी लिखाया जाएगा इतने में लिखना है। ये समय लिखा कर लिखेंगे डाउट बॉक्स और एक तरफ करंट, जो डाउट्स होंगे इस साइड लिखते जाएंगे, और उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई करंट आएगा इन फ्यूचर में तो आपको इस साइड अपना इंक्लूड कर लेना है। अर्थात आपके टॉपिक्स, आपके नोट्स जिसके अभी चर्चा करेंगे बहुत अच्छे हो सकते हैं, और उसको यूज़ कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। ये बात हो गई। अब मैं कहता हूँ आप इसके लिए सिर्फ 4 घंटे दीजिए घर पर जाके सेल्फ स्टडी के लिए 4 घंटा। उसके अलावा जो बचे हैं आप जैसे चाहो यूज़ करो, उसको आप सोने में बढ़ा लो, उसके लिए आप टिकटॉक यूज़ कर लो या जो करना है करो, कोई मुझे मैटर नहीं करता है, लेकिन मुझे आपका 4 घंटा चाहिए जो घर पे जाके आप सेल्फ स्टडी डेली करते हो। कितने के बाद, अगर आप यहाँ 5 घंटा डेली क्लास का देते हो, 4 घंटा जाकर घर पे पढ़ लेते हैं, टोटल 9 घंटा आप स्टडी के डेली दीजिए। आप इसके अलावा अपनी लाइफ के 24 घंटे में जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन 9 घंटे निकाल कर। समझ में आई बात? अब इसको किस समय सेल्फ स्टडी का टाइम रखना है ये आप बना सकते हैं अपनी दिनचर्या के लिहाज से। आपके सोने का समय क्या होगा, उठने का समय क्या होगा, उठने के बाद आपको क्या पढ़ना है, कोचिंग के लिए कब निकलना है, कोचिंग से जाने के बाद क्या करना है, किस समय पढ़ना है और किस समय जाके फिर सो जाना है, ये पूरी की पूरी जो दिनचर्या होगी ये आपको बना के रखनी है। जिस दिन काउंसलिंग होगी उस दिन आपका टाइम मैनेजमेंट आपसे मांगा जाएगा और आपको वो बना के खुद देना पड़ेगा, और हमें अगर लगेगा तो हम उसको मॉडिफाई करके उसमें कुछ चेंजेस के लिए आपको बोलेंगे। समझ में आई बात? तो ये भी अपनी प्रस्तावना नोट डाल के रख लिया। टाइम मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर आपको खुद अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे, और जो भी आपको वहाँ पर चेंजेस करने का, मॉडिफिकेशन करने का टीचर के द्वारा बोला जाएगा वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात आती है यदि कोई स्टूडेंट, हाँ आपका मैटर क्या था, आपका नाम क्या है वैसे? हाँ विशाल, रिशांत, रिशांत आप जॉब करते हैं, कितने घंटे किस कितने से कितने बजे तक, इवनिंग के कितने बजे, मॉर्निंग में 5 बजे तक, सुबह खाली है तो सुबह सोना भी पड़ता हो। तो आप पहले एक चीज़ मुझे ये क्लियर करिए, आप ऑनलाइन रह के करेंगे या ऑफलाइन रह के करेंगे, अभी डिसाइडेड नहीं है। ऑनलाइन लिया हुआ है, मज़ा नहीं आ रहा। देखिए ऑफलाइन में लेने का मैटर ये है कि आप अगर सुबह जितने बजे फ्री हो जाते हैं तो घर पे जाकर सोइए, और सोने के बाद जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो टाइम ही आपको इतना परफेक्ट है कि आप सो के अपनी नींद पूरी करके क्लास में आ सकते हैं। आप सुबह 5 बजे फ्री होते होंगे, हो जाते हैं 5 से, आप घर पे आके 5 से 6 घंटे सो सकते हैं, 7 बजे फ्री होते हैं। देखिए आपके लिए सोना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी साइंस एंड टेक में एक लास्ट चैप्टर मैंने ख़त्म किया है स्वास्थ्य में, मैंने ये बताया कि आखिर स्वास्थ्य है क्या।
स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए स्वास्थ्य क्या है? आपके अनुसार हेल्दी होना किसे कहते हैं? कोई बताएगा जो नए आज आए हैं फर्स्ट क्लास से, जिनकी मेरी पहली क्लास जो ले रहे हैं, हेल्दी होना किसे कहते हैं बता सकते हैं? आपके अनुसार आप सब फिट हैं? फिट हैं? फिट होने की परिभाषा क्या है कोई भी बता दे। आपके अनुसार आप फिट क्यों हैं? मैं आपको अगर फिट बोलूं या आपने आपको फिट बोलें, क्यों बोलेंगे? काम करने में सक्षम है। काम करने के दौरान आपको किस किस तरीके की चीज़ें करनी पड़ती हैं? फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, एनवायरनमेंट के साथ समायोजन, इसके अलावा क्या करना पड़ता है? और भी कुछ? आपको मेंटली, फिजिकली, सोशली, एनवायरनमेंटली आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन आयामों से फिट नहीं हैं तो आप फिट नहीं हैं। आप कभी भी किसी भी प्रकार के एनवायरमेंटल चेंज से प्रभावित हो सकते हैं, इसका मतलब आप फिट नहीं हैं। आप किसी के सामने या कहीं आपके सामने कोई गतिविधियां हो जाती हैं, आप उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसका मतलब आप फिट नहीं हैं। आप किसी काम को करने को लेकर बहुत लंबे समय तक कर नहीं पाते हैं, इसका मतलब आप फिट नहीं हैं। आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसका मतलब आप फिट नहीं हैं। तो फिट होने की जो परिभाषा है वो 5 से 6 अलग अलग चरणों को मिलाकर आप फिट हैं। अगर आपके 5 से 6 चरण यहाँ पर पूरे नहीं हैं, आप किसी भी स्तर पर जाकर लैक हैं, इसका मतलब आप हेल्दी नहीं। तो क्या आप हेल्दी हैं, इसको लेकर क्लियर रहिएगा कि आप हेल्दी हैं तो क्यों। तो बात यह आई कि आपका सोना बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है। 24 घंटे में आप कम से कम 6 घंटे सोने पर डालना ज़रूरी, नहीं तो आपकी हेल्थ प्रभावित होगी और उससे आपकी स्टडी प्रभावित होगी। तो आपके साथ मैं बहुत ज़्यादा अगर कोऑपरेट भी करना चाहूँ तो अभी क्या है, आप अगर इस वाली क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो पहली क्लास है अभी फ़िलहाल एक क्लास चलेगी, और जो क्लास चलेगी वो ये चलेगी। हाँ, तब दिक्कत होगी, बाकी आप मैनेज कर ले जाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप दो चीज़ों को, जीएस को आप कंटिन्यू करें क्लास में ऑफलाइन रह के, सी सेट के लिए आप वीडियो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे 2-3 महीने की बात है और क्वालिफाइंग नेचर है। एक चीज़ एक भी ध्यान रखिए, सॉरी वर्ड प्राइवेसी क्या कहते हैं, क्वेरीज, कभी भी जिस दिन आप जीएस की क्लासेस लेने आते हैं, आएंगे उसी टाइम पे, टीचर से आप पूछ सकते हैं, जाइए आप यहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट बना होगा, जिससे भी मिलना है आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मुझे इनसे इस टॉपिक को लेकर चर्चा करनी है, इन टीचर से, वो आपको बुलाएंगे, आप बैठिए अपने टॉपिक को लेकर डिस्कस करिए, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि आपका ऑनलाइन वहाँ पे क्लियर आउट होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। तो आपको ज़्यादा बेटर है कि जब आपको समय मिलेगा घर पे, तो वहाँ पर आप ऑनलाइन के जो ये वाला जो मैटर है 2 घंटे का, वो आप वहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए, जीएस का मैटर यहाँ कर लीजिए, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा है। तो 2 टॉपिक आप हमारे साथ करिए, सीसेट और लैंग्वेज के चीज़ें हैं वो आप घर पे, वो दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के हैं, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन जीएस आपको मेरिट में नाम दिलाने वाला, स्थिति दिलाने वाला है, पोस्ट दिलाने वाला है। डीएस की यही रहेंगे दोनों, 11:30 से 2 से 4, यही दोनों आपकी टाइमिंग रहेंगी, और बाकी की क्लासेस की टाइमिंग आपकी 9 से 11 रहेंगी। मंडे टू सैटरडे, मंडे एक चीज़ और रहेगा, मंडे आपकी सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, ट्यूसडे टू सैटरडे आपकी करंट जीएस की क्लासेस रहा करेंगे। करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होंगी मंडे वो 9 बजे से रहेंगी, 9 से 12, उसके बाद आप फ्री हैं, अर्थात सिर्फ 3 घंटे की क्लास मंडे टू मंडे, वीकली करंट अफेयर्स कराया जाएगा आपको, उसके बाद आप फ्री हैं पूरे दिन के लिए। मंडे ओनली, ओनली मंडे आना है 9 से 12, बाकी आपको ट्यूसडे से सैटरडे के लिए आपको इस टाइमिंग पे आना है। आपको और कुछ कह रही थी, मंडे सिर्फ करंट रहेगा 9 बजे, टाइमिंग यही तो लिखी हुई है, 9 से 12 एक ही क्लास रहेगी, 9 से 12 मैं कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स की मंडे को सिर्फ एक ही क्लास रहेगी 9 से 12। हाँ, तो वो तो जीएस के लिए लिखा हुआ है, बता तो रहा हूँ ये जीएस की क्लास रहेंगी
जो आपको मंडे नहीं रहेगी, सिर्फ ट्यूसडे से सैटरडे के बीच रहेगी और टाइमिंग आपके यही रहेंगे। जिस दिन जीएस की क्लास नहीं होगी वो है मंडे, क्योंकि मंडे को सिर्फ आपकी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी और उसकी जो टाइमिंग है वो 9 से 12 है। इसके अलावा आपकी कोई क्लास उस दिन नहीं होगी। समझ में आई बात? चलो, तो ये रही आपकी टाइम मैनेजमेंट का इशू जो आपके साथ होता है। इसको मैनेज करने के लिए आप हर एक चीज़ को सही तरीके से वहाँ पर मैनेज करें। दूसरा ये है कि आप लोग बनाते तो बहुत सारा कुछ हैं लेकिन फॉलो कुछ नहीं करते। और यहाँ पर अब तक मेरे ख्याल से ऐसा यहाँ कोई नहीं बैठा होगा जिसने अपनी लाइफ में अब तक कोई भी टाइम शेड्यूल बनाया ना हो। है कोई जिसने किसी काम के लिए वहाँ पर टाइम शेड्यूल ना बनाया? खास स्टडी के लिए बनाया सबने? फॉलो कितने लोगों ने किया आज तक? किसी ने नहीं किया है? मे बी गुड चांस। चलो, ये बात हो गई आपकी टाइम पर। इसके अलावा एक दिक्कत आती है आपको नोट्स को लेकर। नोट्स ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। आपकी प्रस्तावना के एक बहुत अहम पहलू जो आपके हर स्टेज में जाकर बदल जाएगा। सबसे पहली चीज़, नोट्स बनाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नोट्स बनने कैसे चाहिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए और वो समग्र क्यों हो। मैंने आपको अभी रिसोर्सेज बताया, आपको कितना सारा कुछ पढ़ना है, आपको करंट के लिए कितने सारे मैटर पढ़ने हैं, आपको एडवांस के लिए पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने कहा कि आपको अगर न्यूज़पेपर वाला भी मुद्दा मैं इसी में बता देता हूँ। कुछ लोग बेसिक पढ़ने के लिए एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के आइए, उसके बाद कहते हैं क्या इसके नोट्स बनाने चाहिए, कितना उपयोगी है। दूसरा कहा जाता है सर एडवांस लेवल पे क्या पढ़ना चाहिए, और तीसरा बोलता है सर करंट में क्या करना चाहिए, उसको कैसे हम अपने सब्जेक्ट के साथ इंटरलेट कर पाएँ, और इन तीनों चीज़ों का हम समावेश अपने नोट्स में कैसे कर पाएँ। क्योंकि नोट्स में यदि ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो आपको ध्यान रखिएगा, जब आपका एग्ज़ाम का समय आएगा तो आप क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे। जैसे एनसीईआरटी की मैं बात करूँ, सिर्फ हिस्ट्री चलिए आज हम बात करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको कितना टफ पढ़ने वाला है, इसका मैं एक व्यवहारिक अनुभव आपसे कराता हूँ। मान लीजिए आपको पेपर फर्स्ट देना है। पेपर फर्स्ट में सिर्फ हिस्ट्री का एक पोर्शन, ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं जीएस के पेपर वन में, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और जियोग्राफी। अब हिस्ट्री के 6 पार्ट हो जाते हैं, एशियंट, मिडवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, आर्ट एंड कल्चर, आईपीआई। अब देखिए 6 पार्ट पढ़ने हैं, अब इनको देखो। अब ने कहा सर हमें एनसीईआरटी इसके बेसिक के लिए पढ़नी, एनसीईआरटी बोल दी जाती है आपको 6 से 12, कितनी बुक हो जाएंगी, 7 से 10, 11-12 में 2-2 बुक आपको पढ़नी पड़ रही हैं। उसके अलावा आप फिर बोला जाता है एडवांस, एडवांस लेवल पर हर एक सब्जेक्ट की कम से कम एक बुक, कम से कम। यहाँ तो आपको पता लगा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं 2 बुक 3 बुक बता दी गई, एशियन मॉडर्न मिडवल के बुक ही आप खरीदते रह गए। एक हुए तो 6, 2 हुई तो 12, 3 हुई तो 18, क्लियर। अब इसी में कहा गया सर मैगजीन और न्यूज़पेपर भी पढ़ना। कोई भी एक मैगजीन हमने ले ली, एक न्यूज़पेपर ले लिया, कितना हो गया, करीब 10 यहाँ मान चलते हैं, 6 लिखा हुआ है, फिर भी कुछ लोग एक की 2-2 खरीद लेते हैं मैक्सिमम मान के, इसको भी 10 मान लेते हैं, 10 10 20, और इसके 2 चीज़ें 22, अर्थात एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 22 रिसोर्सेस। और क्वेश्चन कितना आना है, 20 क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में, जिसमें से 3 पार्ट हैं आपके हिस्ट्री,
इंडियन सोसाइटी और जियोग्राफी, एक से आपको मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। बहुत हो गया किसी साल हिस्ट्री पर यूपीएससी को ज़्यादा प्यार आ गया और थोड़ा लगाव ज़्यादा उसे महसूस होने लगा कि बहुत समय तक ये उपेक्षित रहा है, कोई इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है, तो 10 भी कर देता है। लेकिन उन 10 क्वेश्चन को करने के लिए, और आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 250 में यदि 10 क्वेश्चन आए तब आपको वो 125 नंबर आएगा, उसका 125 नंबर वहाँ से डिसाइड होंगे, और अगर कहीं से कम हो गए तो ये 100 से नीचे भी चला जाता है। और उतने नंबर लाने के लिए आपको 22 चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं। अब बताइए कितना तार्किक है और कितना समय है आपके पास। लास्ट के महीने में जीएस के 3 महीने बचते हैं, प्री जैसे मैंने बताया जून में हो जाएगा और मेंस कब होगा? सितंबर में। 3 महीने होंगे, 3 महीने में एक पेपर के एक सब्जेक्ट को करने के लिए क्या 22 रिसोर्सेज कर सकते हैं? अगर सिर्फ आप उसको कंप्लीट करने चले गए तो उसी में ज्योग्राफी का 3 पार्ट हो जाता है, इंडियन सोसाइटी एक हो जाता है, और टोटल 28 सब्जेक्ट और आपको पढ़ने, 28 में से 5 निकाल दीजिए सी सेट, फिर भी आपको 23 सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में आपका सारा जो आपका मेंस का पेपर हो जाता है। अगर एक सब्जेक्ट में 22 कॉपी पेपर, तो बाकी सब्जेक्ट का मिलाकर ये आंकड़ा कहाँ पहुँच जाएगा? कम से कम 200, 150 से 200 चीज़ें 3 महीने में ख़त्म करनी। और क्या ये क्षमता आपके अंदर होगी कि आप उसको सही यूटिलाइजेशन कर पाते हैं? मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपकी व्यवहारिकता से आपको परिचय करा रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर जाता है व्यक्ति। यदि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपकी आने वाली पूरी लाइफ, इसलिए मैं इसको प्रस्तावना नाम देता हूँ, कि यहाँ पर आपके सारे सॉल्यूशन हर लेवल पे, जहाँ पर दिक्कत होती है मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जब भी कभी भी आपको कहीं भी दिक्कत होगी अपनी प्रस्तावना खोलनी है और उसको देख लेना कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अब बात आती है, सर अब नोट्स बताइए कितनी पढ़, अब आपको नोट्स की अहमियत समझ में आएगी कि यहाँ पे नोट्स कैसा और कैसा होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को मुझे ना पढ़ना पड़े, इतनी सारी चीज़ों को, और एक नोट्स पढ़ के मुझे 22 से चीज़ों को जैसी चीज़ों को एक जगह पे समग्रता मुझे मिल जाए, है ना। अब आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे, सब लोग बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, आप लोगों की तरह मैं भी बनाता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, बहुत अच्छा पता नहीं, लेकिन हाँ मेरा काम निकल जाता है उससे। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ मेरे पास थॉट्स बहुत होते हैं, इतने कि आप सब एक तरफ और आप जैसी एक क्लास और एक तरफ, उसके बाद भी आप शायद मेरे थॉट्स को मैच नहीं कर सकते। तो ऐसा कैसे और ऐसा क्यों, और क्या आप इस लेवल पे आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो उसका सही माध्यम क्या होना चाहिए? तो वहाँ पर बात आती है सेल्फ मेकिंग नोट्स, और इसके लिए सही अप्रोच क्या होना चाहिए। आप नोट्स बनाते हैं, जनरली होता क्या है, आपको क्लास में आते हैं, टीचर बताता है, पढ़ाता है, लिखा देता है, आप भी उसको छाप जाते हैं। छापने के बाद, मैं छापना इसलिए कहता हूँ क्योंकि वहाँ पर आप दिमाग नहीं लगाते, आप सिर्फ लिखते हैं जो टीचर बोलता है, इसलिए मैं उसको छापना बोलता हूँ। तो छापने के दौरान क्या होता है, आप एक बिना दिमाग के व्यक्ति की तरह बस चलते चले जाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, क्या आप उस नोट्स को पढ़ते हैं? नहीं। आप कहाँ लौट जाते हैं? इन बवंडर में, इस चक्रवात में जाकर उलझ जाते हैं। बुक्स, रिसोर्सेस, मैगजीन, न्यूज़पेपर, सर क्या होंगे बता दीजिए, सर बता दीजिए कल मैं नहीं आया था, सर मुझसे छूट गया, सर मैं पीछे होता जा रहा हूँ, बता दीजिए। बता दूंगा, मुझे भी पता है आपको करना तब भी कुछ नहीं है। तो जाइए और नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाते समय सिर्फ 3 पहलू ध्यान रखिएगा। आपके नोट्स में जो टीचर आपको पढ़ाएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो पढ़ाते समय आपको एडवांस, करंट और बेसिक को ध्यान में रखकर पढ़ाता है। अर्थात जब वो नोट्स बनाता है तो जिस समय तक वो पढ़ा रहा होता है उस टॉपिक से रिलेटेड उतने तक का बेसिक, करंट और एडवांस वो आपको पढ़ा देता है, जो आपको पता ही नहीं चलता है। आप जाकर खोलिए अपने करंट्स को, अपने एडवांस बुक को और अपने NCERT को,
आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, और नहीं मिलने का मतलब मैं 100% श्योरिटी नहीं करता हूँ, लेकिन आपको 80-90% चीज़ें आपके नोट्स में वहाँ पर होंगी, उतनी सारे रिसोर्सेज पढ़ने के बाद। निचोड़ होता है आपका नोट्स। इसके अलावा इस नोट्स में अब आपको अपने नोट्स को बनाते समय एक चीज़ जो बच्चे नहीं करते हैं, बहुत गलतियां कर जाते हैं, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नोट्स मेकिंग का तरीका। हमेशा अपने बॉक्स में दो चीज़ें क्रिएट करिए, डाउट करें डी और सी। यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे, जो भी डाउट्स आएंगे इस टॉपिक को पढ़ते समय एक साइड, दूसरा यहाँ पर उसी टॉपिक से रिलेटेड यदि आप मैगजीन और न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पर जो भी करंट आए उसको दूसरे साइड नोट कर लेंगे। तो आपका जब पेपर आएगा, पेपर के समय आपको 25 बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्या खोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक नोट्स जिसमें आपको सब कुछ लिखा होगा, आपके सारे पॉइंट्स, एडवांस, करंट, बेसिक, और उसके बाद पढ़ाने के बाद जितना समय बचा होगा उसका करंट आपने यहाँ पर तैयार करके लिख लिया, और इसी के साथ आपके जो नोट्स होंगे वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन कई बार एक सब्जेक्ट पढ़ने के पश्चात उसके 3-4-2 कॉपियाँ बन जाती हैं, जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ तो बहुत लोग झेल जाते हैं, IR में कितनी कॉपियाँ बनी हैं बचा, ज़रा बता दीजिए सबको, 3-4 ऑन एन एवरेज 3 है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, कितनी बनी है, टोटल मिला के तो 4 कॉपियाँ कम से कम वहाँ भी बन चुकी हैं। अब कहेंगे सर इतनी कॉपियाँ तो बुक के बराबर हो गई, मतलब हमें 4-5 बुक ही पढ़नी पड़ रही हैं उस लेवल से अगर हम देखें तो। लेकिन अब आप कंपैरिजन करिए, एक तरफ आपको 22 बुक हैं और एक तरफ आपको 4 बुक, तो आपका समय कहाँ बचेगा, 4 बुक पढ़ने में या 22 बुक पढ़ने में। आई थिंक इतना तार्किक आपको नंबर आता है कि आप कहाँ पर समय बचा लेंगे और कितना आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, और इससे भी कम समय में क्या कर सकते हैं, नोट्स में को शॉर्ट नोट्स में क्रिएट करना। ये सेकेंड प्रॉस्पेक्ट, जब आपके नोट्स के वैल्यूज हो जाते हैं, नोट्स बनने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स होता क्या है, कितने लोग शॉर्ट नोट्स से परिचित नहीं हैं, सब परिचित हैं, वेरी गुड। चलिए शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, रिशांत एक सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट को हम डिवाइड करते हैं टॉपिक्स में, टॉपिक 1, 2, 3, 4 जितने भी, फिर टॉपिक को हम सब टॉपिक में डालते हैं और सब टॉपिक को हम पॉइंट में डालते हैं। ये है पूरे के पूरे प्रोसेस में शॉर्ट नोट्स। जैसे मैंने अभी आपको एक इंटरलेशन दिखाया था इकोनॉमी का, सब्जेक्ट क्या था, इकोनॉमी, टॉपिक्स क्या थे, 6 टॉपिक मैंने उसको डिवाइड किया, फिर 6 टॉपिक के मैंने सब टॉपिक वहाँ पर निकाल के रख दिए थे। अब सब टॉपिक से मुझे सिर्फ वहाँ पे पॉइंट लिखते हैं और मेरा इकोनॉमी कंप्लीट। आप कितना सोचते होंगे मुझे 6 टॉपिक कंप्लीट करने में कितने पेजेस चाहिए होंगे पॉइंट सहित, एक टॉपिक के लिए, उसके सब टॉपिक्स के लिए और उसके पॉइंट्स के लिए मैक्सिमाइज स्तर पर जहाँ पर मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूँ। आई थिंक एक डिफरेंट करता है कि टॉपिक क्या है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है बड़ा है, लेकिन वहीं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छोटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मीडियम है, सेक्टर बड़ा है, लेकिन मैं सारा का सारा मैटर अगर आपकी 2 कॉपियाँ वहाँ पर इकोनॉमी की भरी हुई हैं जो हो सकती हैं कम से कम 400 पेजेस होंगी 2 कॉपियाँ का मिला के, मैं उसको 40 पेज पर ला के ख़त्म कर लूँगा अपने शॉर्ट नोट्स में। अर्थात 400 पेज पढ़ने में आप जितना समय व्यतीत करेंगे मैं उसको 40 पेज पढ़ लूँगा, अर्थात मैं आपसे 10 गुना बेटर हूँ, आपसे 10 गुना ज़्यादा मैं समय बचा सकता हूँ, किसके कारण, शॉर्ट नोट्स के कारण। अब ये महत्ता इसकी और कहाँ बढ़ जाती है ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी महत्ता बढ़ जाती है आपके
जस्ट एग्ज़ाम के पहले सबसे अच्छा समय, जहाँ पर आप कम समय में मैक्सिमम चीज़ों को पढ़ सकते हैं और बिना किसी दिक्कत के, जहाँ पर आप एक समय एक ही सब्जेक्ट के 22 चीज़ें पढ़ रहे थे, 22 बुक्स की शायद 22,000 या 25,000 50,000 पन्ने पढ़ने पड़ रहे थे, वहाँ पर सिर्फ आपको कितने पेजेस पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम 40। तो तुलना कितना शॉर्ट स्पैम से, कितना डिटेल को आपने कितने छोटे से पॉइंट में समेट के रख दिया, जिसको हम कहते हैं गागर में सागर भरने वाली बात। और ये बात आती है जहाँ पर आपने रिजल्ट को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हैं, जहाँ पर आप डिसक्वालीफाई हो रहे थे वहाँ पर आप 5-10 नंबर ज़्यादा ला के क्वालिफाइंग हो सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, सर मेरा एक नंबर दो नंबर से रह गया। पता नहीं एक नंबर दो नंबर से रह गया कि नहीं रह गया, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम वो 5-10 नंबर ज़्यादा अचीव कर सकते हैं यदि उनकी ये प्रोसेस सही हो जाए। अब कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना कब चाहिए, ये क्लियर हो गया शॉर्ट नोट्स क्या हैं, और इसको लिख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कि नेक्स्ट टाइम उससे ये मत पूछिएगा कि सर शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या है। तो एक सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट को टॉपिक में डिवाइड करना है, टॉपिक्स के सब टॉपिक्स लिखने हैं और सब टॉपिक्स को पॉइंट लिखने, ये होना चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स में। अब अगली बात आती है शॉर्ट नोट्स बनाना कब है, तो इसका आंसर आई थिंक आप लोगों को खुद पता होगा। आपके अनुसार आपने इतना समझ लिया है, मैंने इतना कुछ बता दिया है, आपके अनुसार शॉर्ट नोट्स कब बनाना चाहिए? कोई नहीं, साथ साथ बनाते चले, एक सिंपल सी अप्रोच है, इसको भी जान लीजिए अप्रोच क्या है। हर चीज़ का अपना अप्रोच है, इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ कुछ भी करने का सही अप्रोच। इसका अप्रोच क्या है, कोई भी टॉपिक सबसे पहले सब्जेक्ट आप लेंगे उसकी होती है रीडिंग, स्टेप वन। जब आप उसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है, क्या आपने उसको समझा, अगर नहीं समझा तो समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग के साथ टॉपिक आपने लिया, उसे पढ़ा, उसके जो कीवर्ड हैं, भाषा है, परिभाषाएं हैं, उसका मतलब क्या है, आप उसे समझने की कोशिश करिए, कहना क्या चाहता है। थर्ड स्टेप, अंडरस्टैंडिंग के बाद आप उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लें, अर्थात क्यों, ताकि वो आपके माइंड में स्थिर हो जाए, क्योंकि एक चीज़ को यदि आप 10 बार देख लें वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, बजाय किसी एक चीज़ को सिर्फ एक बार देखने से। अब जब आपका ये क्लियर हो जाए तब आपको आता है यहाँ पर शॉर्ट नोट्स, ये कब बनाना है, जब आपके पर्टिकुलर जो टॉपिक के 3 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएं। क्यों, क्योंकि तब आपको पता चलेगा मेन की पॉइंट शॉर्ट नोट्स में लिखने क्या है। नहीं तो आप क्या करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम रीडिंग मारते हैं ना, तो आपको लगता है कि सब इम्पॉर्टेंट है, और आप पूरी के पूरी शॉर्ट नोट्स, एक क्लास नोट्स होगी और एक शॉर्ट नोट्स होगी, जिसके मोटाई दोनों बराबर होगी, अर्थात सेम छाप लेंगे आप। तो जब तक आपको ये क्लियर ना हो जाए कि मुझे लिखना क्या है और ये प्रोसेस आपकी फॉलो ना हो जाए, तब तक आपको अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट नहीं करने। और इसको एक चीज़ और करना है, करना भी उसी समय है जब सब्जेक्ट चल रहा हो, क्योंकि उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और ये प्रोसेस आपसे निकल जाएगा, उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो इसके लिए कोशिश कीजिए पर डे का काम पर डे ख़त्म कर लें, अर्थात एक सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ उसकी रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स क्रिएट हो जाए। इस लेवल का आप तैयार हो जाए उस सब्जेक्ट के पूरे होने के बाद, कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोचिंग ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, या एक बार आपने जो नोट्स हैं क्लास नोट उसको पढ़ने के बाद आप सीधे सिर्फ शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना शुरू करें। क्लियर, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ काम आएगी। तो शॉर्ट नोट्स की बात हो गई, अब हमने अप्रोच क्लियर कर लिया, स्टडी मटेरियल हो गया, सिलेबस हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई, प्रॉब्लम्स में आपकी चीज़ें कुछ हो गई, करंट अफेयर्स की बातें हो गई, टाइम मैनेजमेंट, नोट्स। अब बात करते हैं रेगुलर क्लासेस कितनी इम्पॉर्टेंट। yeah.
रेगुलरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में और क्यों? हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो बहुत रेगुलर रहता हो। किसी को अपने घर जाना है, मामा के यहाँ जाना है, पेपर देना है, शादियाँ अटेंड करनी है, मुंडन अटेंड करना है और पता नहीं क्या क्या प्रयोजन देखने पड़ते हैं। तो जब भी आप इस तरह के व्यवधान अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, वो क्या प्रभावित करती है? नहीं, आपके गोल्स को पाने के समय को एक्सटेंड कर देते हैं। अर्थात जितना लंबा प्रोसेस आप अपनाना चाहेंगे वो आपके अपने ऊपर है। कोई आता है, सर हमें 2 साल में क्वालिफाई करना है, कोई 1 साल में आता है, कोई 6 महीने में आता है, कोई 3 साल का आता है, कोई 4 साल का आता है, कोई 5 साल का चला जाता है, कोई पंचवर्षीय योजना बना चुका होता है उसको। तो ये कैसे लोग हैं, ये कैसी श्रेणियाँ बनी हुई हैं, कौन से लोग आते हैं? क्या आप ही के बीच बैठे हुए हैं? हाँ, ये सब आप ही के बीच हैं और ये आपको मिलेंगे ऐसे लोग अलग अलग समयकालों में। आपको बताएंगे ये, आपको शिक्षा देंगे ये, आपको अलग अलग लेवल की शिक्षा देंगे आपको। बच के रहिएगा, बस मैं ये कहूँगा। आपके सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना कंपटीटर है, आपका वो दोस्त है जो आपके बगल में बैठा है। कुछ लोग आज ही देख रहे हैं अपने अगल बगल कि कल से इसके बगल में नहीं बैठना है। आज कोई दिक्कत नहीं है, आज सब एक जैसे हैं, लेकिन ये कल खुल के आना शुरू होंगे। कल से नहीं, आज ही से, जैसे ये क्लास ख़त्म होगी बाहर निकलेंगे और एक ग्रुप बना के बातचीत चालू, कैसा रहा सेशन, क्या हुआ, समझ में आया कुछ? तो लोग अपने अपने रिव्यू देना शुरू करेंगे और उससे एक बात निकल कर आएगी कि आगे क्या करना है। अपना डिसीज़न वो किसके माध्यम से ले रहे हैं? दूसरे व्यक्ति के माध्यम से, जिसकी फील्ड नॉलेज लेवल और आकांक्षाएं आपके जैसी नहीं हैं। तो अपना निर्णय, अपना करियर कभी भी किसी दूसरे से सलाह मशविरा करके ना लें, बल्कि खुद सेल्फ एनालिसिस करें और फिर अपना निर्णय लें। क्योंकि मनुष्य एक बहुत ही गंभीर समस्या है, एक ऐसी बीमारी जो हमेशा होने के पीछे दूसरों को दोष देती कि आज मैं इस स्थिति में इसका कारण तुम हो, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। वो कहता है मैंने तो सिर्फ एक सजेशन दिया था, मानना ना मानना तो आपका काम था। और सही है वो अपनी जगह पर। करियर आपका है तो डिसाइड आप करिए ना, अपना निर्णय, अपनी लाइफ किसी दूसरे के हाथ में क्यों दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो उसके लिए कभी उसको ब्लेम मत करिए, क्योंकि बात आपने मानी है और आपने खुद की हुई है। तो चलिए, रेगुलरिटी आपको मैं सिर्फ इतना कह रहा था, एक ही लाइन है, आप जितना कम क्लास में आएंगे, जितनी अनकरेक्टेड चीज़ें आप अपनाएंगे, उतना ही आपको अपने लक्ष्य को पाने में समय लगेगा। जैसे कि एक हम रूल बना रहे हैं जो आगे चलकर आप ही के लिए अच्छा है, लेकिन हो सकता है आपको बुरा लगे। इस बैच से हम ये करने वाले हैं कि जो व्यक्ति पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट की क्लास को 3 से 5 दिन से ज़्यादा मिस करेगा, हम उसको उस क्लास से बाहर कर देंगे और उसको तब एंट्री मिलेगी जब एक नया सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, ताकि आप उससे प्रभावित ना हो और ना ही टीचर उससे प्रभावित हो। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट ले रहे थे, उस टॉपिक को 2 दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं आए, 2 दिन बाद जब आए तो दूसरा सब्जेक्ट चलने लगा और आप वहाँ पर, आपके पास कन्फ्यूज़न बहुत सारी हैं।